लोक आलोक एवं लक्ष्य। तो एक्चुअली इसमें लक्षण लोक आलोक एवं लक्ष्य की बात की गई है कि लक्ष्य के अर्थ में ही हमारा सारा का सारा जो कार्यक्रम है, सारी जो जी सारा जो मेरा एक जिंदगी की दिशा है, वो जिसको भी मैंने लक्ष्य माना हुआ है उधर की तरफ जा रहा है। इस मानव व्यवहार दर्शन में जो मानव का लक्ष्य है, मानव चूंकि एक प्राकृतिक इकाई है, ज्ञानावस्था की इकाई है, तो उसका भी कोई लक्ष्य तय है। उस लक्ष्य को हम पहचान जाते हैं तो एक सही दिशा में हम चल देते हैं, तो उसको पहचानने का एक काम है। तो इसमें लक्षण को देखते हैं तो लक्षण क्या चीज है। तो लक्षण को यहाँ पर जो कुछ भी प्रकाशित होता है वो लक्षण है। तो अगर इकाइयों को देखें तो उसमें क्या प्रकाशित होता है, तो रूप गुण स्वभाव धर्म ही इकाइयों में प्रकाशित है, इसलिए रूप गुण स्वभाव धर्म को लक्षण की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में पिछले अध्यायों में चर्चा हो चुकी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि रूप को तो हम जानते हैं कि रूप जो है आकार आयतन घन को रूप बोलते हैं, कि कोई भी इकाई है तो उसका कोई आकार है, कोई आयतन है, कोई घन है, और वो प्रकाशित है, उसके आधार पे हम उसको देख पाते हैं, इसलिए इसको लक्षण बोला। गुण जो है वो परस्परता में प्रभाव को गुण बोला। जैसे कोई चीज खाने वाली चीज यहाँ रखी हुई है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको मैं अपने स्वाद इंद्री रस इंद्री से संपर्क लाता हूं तो पता चलता है कि खट्टा मीठा चरपरा कड़ुआ तिक्त किसा कसा है, इसमें से कौन सा रस है। तो परस्परता में जो प्रभाव आता है वो गुण है। तो इसको ये सम विषम मध्यस्थ तीन प्रकार से होता है, इसकी चर्चा पिछले अध्यायों में काफी गहरे से हुई है। मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी ही चर्चा इसकी हम कर पा रहे हैं। और स्वभाव जो है वो इकाई की मौलिकता, तो जो इकाई है वो इकाई किसी अवस्था की है, उस अवस्था के आधार पर हम उसके स्वभाव को पहचानते हैं और उसकी मौलिकता को पहचानते हैं, यही इसको स्वभाव बोलते हैं। तो अगर देखेंगे तो हर इकाई का, हर अवस्था का कोई रूप गुण होता ही है। स्वभाव को देखने जाएंगे तो पदार्थ अवस्था का स्वभाव संगठन विघटन है, इस रूप में हमने पहचाना हुआ है, दर्शन के आलोक में हमने देखा हुआ है। प्राण अवस्था का स्वभाव हमने सारक मारक के रूप में देखा हुआ है। जीव अवस्था का स्वभाव हमने क्रूर अक्रूर के रूप में देखा हुआ है। और ज्ञानावस्था के मानव का स्वभाव हमने धीरता वीरता उदारता और दया कृपा करुणा के रूप में देखा हुआ है। और अगला जो लक्षण है उसको धर्म बोल रहे हैं। धर्म हम सभी इसकी परिभाषा पहले पढ़े हुए हैं कि धारणा ही धर्म है, जिसको धार लिया है अर्थात जिससे हम अलग नहीं हो सकते वो धर्म है। इसको देखने जाते हैं तो पदार्थ अवस्था ने अस्तित्व को धार लिया है, अस्तित्व को धारण, अस्तित्व होना ही उसका धर्म है, इसलिए उसका धर्म को अस्तित्व बोलते हैं। प्राण अवस्था में जाते हैं तो प्राण अवस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि को हमने धर्म के रूप में देखा हुआ है। जीव अवस्था में जाते हैं तो अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा को हमने धर्म के रूप में पहचाना हुआ है। और ज्ञान अवस्था के मानव को देखते हैं तो अस्तित्व पुष्टि और जीने की आशा सहित हमने सुख को धर्म के रूप में पहचाना हुआ है। तो ये जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, इसको हमने पहले वास्तविकता के रूप में भी देखा हुआ है, इसी को वास्तविकता भी कहते हैं, जो यथार्थता वास्तविकता सत्यता तीन चीज की हम व्याख्या करते हैं, तो उसमें वास्तविकता के रूप में भी हम रूप गुण स्वभाव धर्म को देखते हैं। यहाँ उसी को क्या दी गई है, लक्षण। क्यों, लक्षण का मतलब ही है प्रकाशन, जो प्रकाशित जो प्रकाशन हो रहा है वो लक्षण है। तो जो रूप गुण स्वभाव धर्म इकाइयों का है, और इकाइयों को ही यहाँ पर एक संज्ञा दी गई है लोक, इच्छा एवं क्रिया के सम्मिलित रूप की लोक संज्ञा है। तो जो हमारी जो हमारे में जो इच्छा विचार आशा है वो, और प्लस जो क्रिया है, मतलब जो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था ज्ञान अवस्था है, चार अवस्थाएं हैं, इनको लोक संज्ञा दिया हुआ है। इसको हमने पीछे के अध्याय में देखा होगा कि जो व्यापक है उसको लोकेश बोलते हैं। तो लोकेश में जो संप्रिक्त है वो लोक है। लोकेश के माध्यम से हम इसको परिभाषा कर सकते हैं कि लोकेश में जो संप्रिक्त है वो लोक है। तो लोकेश में क्या संप्रिक्त है, तो लोकेश में इकाइयां संप्रिक्त हैं जिनको हम पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के रूप में देखते हैं। अगला जो परिभाषा है आलोक, तो आलोक की जो परिभाषा की गई है तो समझदारी को ही आलोक कहा गया है। समझदारी का मतलब ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही समझदारी है। ज्ञान के रूप में हमने पहचाना है
अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, इसको हमने ज्ञान के रूप में पहचाना है, और विवेक के रूप में शरीर के नश्वरत्व का ज्ञान, जीवन के अमरत्व का ज्ञान और व्यवहार के नियमों का ज्ञान, इसको हमने विवेक के रूप में पहचाना है, और विज्ञान को जो हमने क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी के रूप में पहचाना हुआ है। अर्थात इन तीनों को अगर देखते हैं तो क्या, क्यों, कैसे का उत्तर, क्या यानी ज्ञान, क्यों यानी विवेक और कैसे यानी विज्ञान, इन तीनों का उत्तर होना ही समझदारी है। उसी को यहाँ पे आलोक बोला गया, उसी को आलोक एक संज्ञा दी गई। अब ये सारा जो आलोक है, जो सारा लोक है, जो सारा आलोक है, तो प्रयोजन को समझना, उसकी दिशा को समझना, ये समझ पूर्वक हम होते हैं तो आलोक पूर्वक जीते हैं। इससे हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो अभी जो लक्ष्य को पाना, तो लक्ष्य की परिभाषा दिए कि क्षमता योग्यता पात्रता अनुसार योगानुभूति योग्य विकास के लिए किए गए प्रयोग एवं प्रयास अनुभूति की लक्ष्य संज्ञा है। तो जो हमारी जो क्षमता योग्यता पात्रता है उसके अनुसार योगानुभूति योग्य विकास के लिए किए गए प्रयोग एवं प्रयास अनुभूति की लक्ष्य संज्ञा है। इसमें जो योगानुभूति की बात है वो पिछले अध्याय में, अध्याय 11 में काफी बढ़िया से स्पष्ट किया गया है, इसको हम चाहेंगे तो और स्पष्टता ले लेंगे। अगली जो अनुभूति है कि आलोक सहित की गई दर्शन क्रिया की अवलोकन संज्ञा है। आलोक सहित यानी समझदारी सहित, ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत, ज्ञान विवेक विज्ञान सहित, अर्थात मेरे पास क्या, क्यों, कैसे का उत्तर है, इसके सहित, इसी को बोध बोला गया है। जब हम दर्शन करते हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही देख पाते हैं, तो एक्चुअली तो वास्तव में हम अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन क्रिया का, अवलोकन जो संज्ञा दिया गया है कि बोध पूर्वक जो हम दर्शन करते हैं, दर्शन का मतलब पिछले अध्याय में आया है कि जो जैसा है उसको वैसा देख पाना, तो जो जैसा है उसको वैसा तभी देख पाते हैं जब हमारे पास समझ होती है, अर्थात हम ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हो जाते हैं, तो बोध पूर्वक ही हो पाता है। अब जो लक्ष्य है, तो लक्ष्य का निर्धारण तीन प्रकार से होता है। एक तो जैसा हमने जिसको लक्ष्य मान लिया है, तो एक तो भोग को हम लक्ष्य मान सकते हैं, दूसरा प्राप्य योग को मान सकते हैं, और तीसरा प्राप्त योग को मान सकते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई लक्ष्य मानकर हम जीते ही हैं, तो जिसको लक्ष्य मानते हैं उसमें ही अपना तन मन धन लगा देते हैं। अब इन तीनों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भोग है, भोगाशक्ति का जो लक्ष्य है वो विषय चतुष्टय है, आहार निद्रा भय मैथुन ही विषय चतुष्टय है, और इसके लिए इसको हमने लक्ष्य माना हुआ है, तो ये फिर भोगा सकती है, फिर ये भोग ही हमारा लक्ष्य है। प्राप्य योग का लक्ष्य लोकेशणा सहित किसी उपकार क्रिया के योग से प्राप्त विभूति अथवा सामर्थ्य द्वारा जनजाति को आप्लावित प्रभावित करना। तो हम सभी देखते हैं कि बहुत सारा जो हम एक तरह का जो सुविधा संग्रह करते हैं, किसी पद को पाते हैं, रूप पद धन बल को महत्वपूर्ण मान करके जो कुछ भी करते हैं, उससे हम किसी उपलब्धि को पाते हैं, फिर उससे हम जन जाति को आप्लावित भी करते हैं, प्रभावित भी करते हैं, इसको प्राप्त योग का, प्राप्य योग कहा गया है। तो एक्चुअली मानव का जो उद्देश्य है वो या तो अभी भोगा शक्ति को माना हुआ है, भोग को अपना लक्ष्य मान करके जी रहा है, या प्राप्य योग को लक्ष्य मान के जी रहा है, या दोनों को साथ साथ लक्ष्य मान करके जी रहा है, प्राप्त इस तरह से अपनी जिंदगी को निर्धारित किया हुआ, अपने प्राथमिकता को निर्धारित किया हुआ है। अब विषयासक्त मानव क्रिया से क्रिया की तृप्ति चाहता है, जो संभव नहीं है, क्योंकि संवेदन क्रिया प्लस संवेदन क्रिया से ह्रास अथवा विकास ही संभव है। तो जो क्रिया से हम क्रिया की तृप्ति चाहते हैं, अर्थात भौतिक रासायनिक क्रिया से जो हम तृप्ति चाहते हैं, तो क्रिया की क्रिया से तृप्ति नहीं होती, जीवन क्रिया की भौतिक रासायनिक, क्योंकि हमारी जीवन क्रिया है, तो जीवन क्रिया की तृप्ति भौतिक रासायनिक क्रिया से नहीं हो सकती। तो क्रिया की क्रिया से तृप्ति नहीं हो सकती है, केवल ह्रास या विकास ही हो सकता है, जागृति नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। संपूर्ण जड़ क्रिया मात्र अपूर्ण है, अपूर्ण को पाकर अपूर्ण तृप्त नहीं हो सकता, तृप्ति की संभावना केवल न्याय धर्म एवं सत्यानुभूति से ही है।
जब तक हमको न्याय समझ में नहीं आएगा, धर्म समझ में नहीं आएगा, सत्य अनुभव में नहीं आएगा, सत्य अनुभव में आता है तो न्याय भी अनुभव में आता है, धर्म भी अनुभव में आता है, न्याय अनुभव में आता है तो हम न्यायपूर्वक जीते हैं, अर्थात मूल्यों का निर्वाह करके उभय सुखपूर्वक उभय तृप्तिपूर्वक जी पाते हैं। धर्म समझ में आता है, धर्म अनुभव में आता है तो हम धर्म पूर्वक अर्थात संतुलन पूर्वक व्यवस्था को समझते हुए अपनी भूमिका को समझते हुए जीते हैं। और सत्यानुभूति यही है कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति इस अनुभूति के साथ हम होते हैं। तो इसमें तृप्ति की संभावना है क्योंकि भौतिक क्रियाएं अपूर्ण हैं, तो अपूर्ण को हम भी अपूर्ण, भौतिक क्रिया भी अपूर्ण, तो दोनों अपूर्ण मिलकर के पूर्ण नहीं हो सकते। तो पूर्ण में अनुभव संपन्नता के बाद ही के उपरांत ही हमारी तृप्ति हो सकती है, ऐसा इस अनुभूति में कहा गया है। ये जो पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है, ये पूरा लक्ष्य को लेकर के चल रहा है कि लक्ष्य क्या है। तो अभी हमने भोग, प्राप्त योग और प्राप्त योग में से किसी न किसी को लक्ष्य मान के जीते हैं। दर्शन की समझ होने के बाद, दर्शन की सूचना मिलने के बाद, हमारा उसमें ध्यान जाने के बाद प्राप्त योग नाम की कोई वस्तु पकड़ में आती है, नहीं तो हम भोग और प्राप्त योग को ही लक्ष्य मान करके जीते हैं। तो प्राप्त योग विधि से सफलतापूर्वक किए गए प्रयास से ही विशुद्ध मानवीयता की उपलब्धि होती है, जिससे स्वतंत्र रूप से मानवीयता का संरक्षण होता है। प्राप्त योगानुभूति पूर्वक ही प्राप्त योग सार्थक होता है। तो जो प्राप्त योग विधि से विधि जो है उससे विशुद्ध मानवीयता की उपलब्धि तो होती है, लेकिन ये सार्थक तब होगा जब प्राप्त योगानुभूति होगी, अर्थात सत्ता में संपृक्तता सत्य में अनुभूत होंगे, तो ये हमें प्राप्त योग जो है सार्थक होगा, ऐसा इस अनुभूति में कहा गया है। प्राप्त योगानुभूति ही जागृति है, इसका एक नाम है, जागृति को ही प्राप्त योगानुभूति बोल रहे हैं। ऐसी इकाइयां ही अनवरत रूप से अन्य के जागृति के लिए समुचित प्रेरणा स्रोत हैं, जो जागृत परंपरा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राप्त योगानुभूति हो गई, जागृति हो गई, तो जिसको जागृति हो गई, जो जागृत हो गया, वो अनवरत रूप से अन्य के जागृति के लिए समुचित प्रेरणा स्रोत है। जैसे कि आदरणीय बाबा जी को हम लोग प्रेरणा स्रोत के रूप में अभी भी देख पाते हैं। तो जागृति जो है या प्राप्त योगानुभूति है, वही अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है, और ऐसा ही सभी जागृत होते जाने से ही जागृत परंपरा हो सकती है। निरीक्षण परीक्षण एवं सर्वेक्षण क्रिया द्वारा कारण गुण गणित के संयोग से की गई अवलोकन क्रिया द्वारा ही सत्यता का परिचय होता है। तो जो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण क्रिया है, ये परिचय शिविरों से हमने इसको सुना हुआ है कि स्वयं में देखना निरीक्षण है, परस्परता में देख पाना परीक्षण है, समग्रता में देख पाना सर्वेक्षण है। इसको कारण गुण गणित के संयोग से की गई अवलोकन क्रिया, जो अवलोकन क्रिया का ऊपर परिभाषा आया था कि अवलोकन क्या है, बोध पूर्वक की गई दर्शन क्रिया ही अवलोकन है। तो बोध संपन्न होकर के बोध पूर्वक जो हम अवलोकन कर जो दर्शन करते हैं, तो उससे सत्यता का परिचय होता है, नहीं तो फिर किसी न किसी भ्रम का, किसी न किसी असत्य का परिचय होता है, ऐसा इस पृष्ठ में हम देखेंगे। तो जो लक्षण, लोक, आलोक एवं लक्ष्य की परिभाषा, जैसा कि हमने पहले ये सारे नाम सुने ही हुए हैं किसी अन्य नाम से, यहाँ एक संज्ञा है लक्षण, लोक, आलोक और लक्ष्य, उसके अनुसार हम इसको देखते हैं। और इसमें लक्ष्य को आगे जो है ज्यादा फैलाया गया है कि भोग, प्राप्त योग या प्राप्त योग में से किसी को हम लक्ष्य माने ही होते हैं। समस्त प्राप्त योग प्राप्त योग के लिए है, और प्राप्त योग से ही प्राप्त योग सार्थक होता है, ऐसा इस पृष्ठ में कहा गया है। तो लक्ष्य मानव का अनुभव ही है, अनुभूति ही है, जागृति ही है, क्योंकि जागृत व्यक्ति ही, जागृत ही अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, और अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जागृति की संभावना बनती है, तो इससे एक जागृत परंपरा की भी संभावना बनती है। अगले पृष्ठ पर आते हैं। उक्त संयोग की अपूर्णता में ही समस्त मतभेद है। अगर ये संयोग नहीं है, कारण गुण गणित तीनों का संयोग नहीं है, ये तीनों की बात पीछे हुई होगी कि कारणात्मक, गुणात्मक और गणितात्मक, जो पूरा का पूरा भौतिक जगत है वो गणितात्मक प्रस्तुति है, जो बौद्धिक जगत है वो पूरा गुणात्मक है, और जो सत्य है
जो सहअस्तित्व है, जो संपृक्तता है, वो कारणात्मक है, तो इन तीनों का संयोग होता है तो ही सत्यता का परिचय होता है। अगर इसका संयोग नहीं हुआ या अपूर्णता रही तो इसके कारण ही मतभेद है। मतभेद क्या क्या है? तो मतभेद विरोध के रूप में है, द्रोह के रूप में है, विद्रोह के रूप में है, द्वेष के रूप में है, विद्वेष के रूप में है, ससंकता के रूप में है, आतंक के रूप में है, दास्यता के रूप में है एवं दुष्टता के रूप में है। शोषण और युद्ध का यही कारण है। तो कुछ परिभाषाएं जो विरोध की होती हैं, तो विरोध का मतलब ये, विरोध का मतलब यही हुआ, जो द्रोह है, द्रोह की परिभाषा जो हम देखते हैं कि न्यायपूर्ण आचरण में जो व्यतिक्रम उत्पन्न करना, कोई न्यायपूर्ण आचरण कर रहा है, न्यायपूर्ण आचरण को स्वीकार किया हुआ है, उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न करना द्रोह है, और इसका भी विरोध करना ये विद्रोह है। ऐसे ही द्वेष है, तो अगर स्नेह नहीं होता है तो ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, हम स्नेह पूर्वक नहीं जी पाते तो अपना पराया पूर्वक जीते हैं, यही द्वेष है, और सभी दूसरा भी ऐसा करता है, ये विद्वेष है। हमको शंका रहती है, विश्वास पूर्वक नहीं जीते। आतंक, दास्यता एवं दुष्टता और शोषण, ये सभी, और युद्ध, इन सब का कारण क्या है कि हम किसी भी चीज को कारण गुण गणित तीनों के संयोग से नहीं देखते हैं, अपूर्णता से देखते हैं। अपूर्णता में देखने से अपूर्णता ही मिलती है, अपूर्णता में देखने से अपूर्णता मिलने के कारण ये सारी जो नेगेटिविटी है ये समाज में और मेरे अंदर भी दिखती है। जनजाति के स्तर पर समस्त मतभेद के मूल में एक से अधिक पक्ष का होना अनिवार्य है, उसमें सभी गलत हों तब अथवा कोई एक पक्ष अवश्य गलत हो तो संघर्ष अवश्य होता है, यह सब सही हो ऐसी स्थिति में संघर्ष संभव नहीं है। तो ये तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं कि अगर कहीं संघर्ष है तो उसमें या तो कोई एक गलत है या दोनों गलत हैं या सब गलत हैं। अगर उसमें से दो सब सही हैं तो संघर्ष की स्थिति नहीं होती, क्योंकि सही का मतलब यह स्वीकार है, वहां पर संघर्ष नहीं होता। अगला जो अभी ये लक्ष्य का ही जो पॉइंट्स थे, जो अनुभूतियां थी, वो आगे चल रही हैं कि लक्ष्य भेद से आचरण भेद एवं विचार में भी प्रभेद घटित होना पाया जाता है। तो अगर लक्ष्य अगर हमारा भोग है तो हमारा आचरण भी वैसा ही होगा। लक्ष्य हमारा अगर प्राप्त योग है तो हमारा आचरण वैसा ही होगा। लक्ष्य हमारा अगर प्राप्त योग है तो हमारा आचरण वैसा ही होगा। वैसा ही मेरे में विचार होगा, तो मेरा जैसा आचरण होगा वैसा विचार होगा, जैसा मेरा विचार होगा वैसा मेरा कार्य व्यवहार होगा, अर्थात वैसा ही आचरण होगा। तो लक्ष्य भेद से ही आचरण एवं विचार में भेद प्रभेद घटित होना पाया जाता है। स्व पर परिस्थितिवश, स्व पर परिस्थितिवश होने वाले व्यवस्थाओं के भेद से ही लक्ष्य का निर्णय है। लक्ष्य जो है स्व के अनुसार स्वयं में व्यवस्था, जो परस्परता और परिस्थितियां, इनके अनुसार अगर हमारे पास सूचना नहीं है, सत्य की सूचना नहीं है, जागृति की सूचना नहीं है, प्राप्त योग की सूचना नहीं है, तो अगर हमारे और हमारे परस्परता में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, या हमारी सूचना है लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं और हमने परिस्थितियों को ही बड़ा मान लिया है, तो ऐसी स्थिति में हम अपना कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित कर ही लेते हैं। तीन में से कोई करेंगे, या तो भोग को लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, या प्राप्त योग को करेंगे, या प्राप्त योग को करेंगे। स्वकृत निर्णय पूर्णता एवं अपूर्णता के दिशा से भेद से है। स्वकृत निर्णय जो स्वयं से ही किया गया निर्णय है वो पूर्णता अथवा अपूर्णता के दिशा भेद से ही है। हमको पूर्णता की दिशा है या तो अपूर्णता की दिशा है, दोनों दिशा हमारे पास उपलब्ध है, हम निर्णय ले लेते हैं हमें किस दिशा में जाना है। यथार्थता की ओर पूर्णता तथा भ्रामकता की ओर अपूर्णता की अपूर्णता है। अगर हम यथार्थता की ओर जाते हैं, जैसा है यथार्थ जैसा है वैसा की तरफ जाते हैं, तो हम पूर्णता की तरफ जाते हैं। अगर हम भ्रामकता की तरफ जाते हैं तो अपूर्णता की तरफ जाते हैं। अपूर्णता की तरफ जाते हैं तो हम भोग को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। पूर्णता की तरफ जाते हैं, यथार्थता को स्वीकार लेते हैं, तो हम प्राप्त को, अनुभव संपन्नता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, जागृति को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, फिर हम उसके लिए अध्ययन अभ्यास करते हैं, उसके लिए हम स्वयं वैसा ही विचार करते हैं, वैसा ही परिवार को सजाते हैं, वैसा ही समाज में एक वातावरण बनाने के लिए अपने कार्यक्रम की तलाश करते हैं, और अगर हमको भ्रम स्वीकार है तो हम फिर वैसा करते हैं। ज्ञान मूलक विज्ञान एवं विवेक के विधिवत अध्ययन से यथार्थता की ओर प्रयासोदय है, अन्यथा भ्रामकता की ओर प्रयासोदय है।
तो जो ज्ञान मूलक विज्ञान एवं विवेक है, ज्ञान मूलक मतलब जिसके मूल में ज्ञान है, अर्थात अस्तित्व कैसा है, जीवन क्या है, मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, ये ज्ञान है। इस ज्ञान के ये मूल में ये ज्ञान है, और वैसा ही विज्ञान और विवेक के विधिवत अध्ययन अगर हम कर रहे हैं, यानी क्या क्यों कैसे का उत्तर, अस्तित्व कैसा है, मानव कैसा है, व्यवहार कैसा है, इसको समझते हुए अध्ययन करते हुए अगर हम आगे की तरफ प्रयास करते हैं तो यथार्थता की ओर प्रयास है, अन्यथा भ्रामकता की ओर प्रयास है। हम में से सभी लोग किसी न किसी प्रयास को कर ही रहे हैं। हम सभी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, हमारा कितना प्रयास यथार्थता की ओर है, कितना हमारी गति यथार्थता की ओर है, कितना हमारी गति भ्रामकता की ओर है। क्या हमको सूचना मिलने के बाद, कुछ वर्षों से अध्ययन में लगे होने के बाद, समझ की सूचना मिलने के बाद भी हमको, हम कितना समय यथार्थता के लिए निकालते हैं और कितना समय भ्रामकता के लिए निकालते हैं, हम सभी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और ऐसा मूल्यांकन अगर करते हैं तो देख पाएंगे कि हमारा प्रयास किधर की तरफ है। अगर हम ज्यादा समय यथार्थता की ओर लगा रहे हैं, ज्यादा श्रम लगा रहे हैं, ज्यादा समय लगा रहे हैं, अपनी कल्पनाशीलता को लगा रहे हैं, तो हमारा सारा प्रयास यथार्थता की ओर है, अन्यथा हम भ्रम की ओर लगाएंगे ही, कहीं तो लगा ही रहे हैं। प्रयास ही क्रिया और कार्य व व्यवहार है, प्रयास ही क्रिया और कार्य व व्यवहार है। तो जो प्रयास ऊपर कहा गया है कि यथार्थता की ओर प्रयासोदय, उसी के नीचे व्याख्या है कि क्रिया, प्रयास क्रिया जो है कार्य और व्यवहार है, कि हमारा कार्य और व्यवहार कैसा है। सुकर्म एवं दुष्कर्म, अब ये सामाजिकता शुरू हो रहा है, यहां से आगे के आगे और अगले पेज पर भी 2-3 पॉइंट तक सामाजिकता की बात की जाएगी कि सुकर्म एवं दुष्कर्म के आशय भेद से वैयक्तिक जीवन व जीविका है, तदनुसार ही भावी घटनाएं एवं कार्य संपन्न होते हैं। तो अगले पृष्ठ पर इस सुकर्म और दुष्कर्म की व्याख्या भी की गई है कि नियम पूर्वक किए गए कार्य एवं विचार को सुकर्म, इसके विपरीत दुष्कर्म संज्ञा है। तो सुकर्म एवं दुष्कर्म के आशय भेद से वैयक्तिक जीवन व जीविका है, तदनुसार ही भावी घटनाएं व कार्य संपन्न होते हैं। तो हमारा जो वैयक्तिक जीवन है, या तो सुकर्म की तरफ है या दुष्कर्म की तरफ है। अगर हमारा सारा कार्य और विचार नियम पूर्वक है तो सुकर्म की तरफ है, इसके विपरीत है तो दुष्कर्म की तरफ है। अगर नियम पूर्वक हमारा कार्य व्यवहार है, विचार है, हमारा सारा विचार और कार्य नियम पूर्वक है, तो फिर वो निश्चितता की ओर जाता है, फिर वो आचरण की निश्चितता की ओर जाता है, क्योंकि निश्चितता ही नियम है, नियम को हमने निश्चितता के रूप में ही पहचाना हुआ है। सच्चरित्र एवं दुष्चरित्र के भेद से कुटुंब है, तथा तद अनुरूप ही अग्रिम प्राप्तियां हैं। तो जो कुटुंब है, कुटुंब में या तो सच्चरित्रता है या दुष्चरित्रता है। अब जिधर जिधर की तरफ हमारी, हम जैसा है वैसी हमारी प्राप्तियां हैं। इसकी भी परिभाषा अगले पृष्ठ पे दी हुई है कि नैतिकता संपन्न, राजनीति और धर्म नीति संपन्न, कुशलता निपुणता पांडित्य सहित किए गए चरित्र चित्रण को सच्चरित्र, तथा उसके विपरीत को दुष्चरित्र संज्ञा है। इसको हम जब मानवीयतापूर्ण आचरण में देखते हैं तो वहां भी चरित्र को देखते हैं, तो चरित्र को वहां पर स्पष्ट परिभाषित है, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक जीना ही सुचरित्र है, और इसके विरुद्ध अर्थात परधन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार के साथ जीना ही दुष्चरित्रता है। हमें लगता है इसमें हम अपना अपना मूल्यांकन कर ही सकते हैं कि हमारा जो कुटुंब है उसमें हमारा, इसीलिए इसको सामाजिक नियम भी बोला, सामाजिक व्यवहार भी बोला, कि स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार सहित जीते हैं तो सामाजिकता है। अगर हम परधन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार ऐसा जीते हैं तो वो असामाजिकता है, उससे कोई सामाजिकता में उपलब्धि नहीं होती। जैसा कि सिद्धांत मत संप्रदाय वर्ग भाषा व जाति के विचार व प्रचार भेद से सामुदायिक जीवन है, तथा उसी के प्रतिरूप में उसके लिए भावी घटनाएं हैं। तो अभी जो सामुदायिक जीवन है उसका आधार कोई सिद्धांत, कोई मत, कोई संप्रदाय, कोई वर्ग, कोई भाषा और कोई जाति, इस प्रकार से हम विचार को, किसी न किसी विचार को लेकर के एक सामुदायिक जीवन को स्वीकारते हैं, और उसके प्रतिरूप में ही जो कुछ भी घटनाएं अभी हो रही हैं, आगे जो होंगी वो हमारे सामने आएंगी ही।
न्याय व अवसरवादिता पूर्ण नीति से, नीति भेद से राष्ट्रीय जीवन है। राष्ट्रीय जीवन क्या है? तो या तो न्याय के अनुसार होगा या अवसरवादिता पूर्ण नीति होगी। तो अगर न्याय वाली नीति होगी तो राष्ट्रीय जीवन पूरा का पूरा सुचरित्र और पूरा का पूरा सुकर्म करते हुए और व्यवस्था की तरफ जाने वाला, और अगर अवसरवादिता पूर्ण नीति है तो ऐसा राष्ट्रीय जीवन दुश्चरित्रता की तरफ या दुष्कर्म की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो न्यायपूर्ण क्या है? तो न्यायपूर्ण नीति वह है जिसमें मानवीयता का संरक्षण हो, क्योंकि न्याय को हम लोगों ने पहचाना हुआ है, न्याय की परिभाषा की हुई है, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, अर्थात संबंध को पहचानना। तो जो सात संबंध है, हर मानव हमारा संबंधी है, जो सात संबंध है उनमें से किसी न किसी एक संबंध में वो संबंध को हम स्वीकार पाते हैं, उसमें मूल्य को पहचान पाते हैं, उसका निर्वाह करते हैं, निर्वाह करने में मूल्यांकन कर पाते हैं, उससे उभय तृप्ति होती है, ये न्याय है। तो इससे मानवीयता का संरक्षण होता है। तो अगर ऐसी नीति है किसी तो वो राष्ट्रीय जीवन कैसा होगा, और अगर अवसरवादी नीति है तो अवसरवादी नीति क्या है कि जिससे मानवीयता का संरक्षण नहीं होगा, यानी जो न्याय पर टिका नहीं होगा, जो किसी न किसी लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद से प्रेरित होगा या उसकी तरफ होगा। तो इसलिए न्यायवादी, तो न्यायपूर्ण नीति वह है जिससे मानवीयता का संरक्षण हो, अवसरवादी नीति वह है जिससे मानवीयता का संरक्षण न होता हो। विवेक अथवा अविवेक, विज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान संपन्न विचार व मर्यादा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जीवन की घटनाएं मानव समुदाय के संगठन व विघटन के रूप में भावी क्षणों में प्रतिष्ठित है। तो हमारे पास क्या है? या तो हम विवेकपूर्ण है या अविवेक है, विज्ञान संपन्न सम्मत है या ज्ञान या सामान्य ज्ञान संपन्न है। इसकी भी आगे परिभाषा अगले पे विज्ञान की दी गई है कि भौतिक समृद्धि एवं मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य की सफलता के लिए दिशा निर्धारण ज्ञान ही विज्ञान है, अर्थात दिशा का या कैसे का जो उत्तर है वही विज्ञान है, अन्यथा सामान्य ज्ञान है। तो विज्ञान संपन्न अथवा सामान्य ज्ञान मेरे विचार में है, ऐसे मर्यादा के आधार पर अंतरराष्ट्रीय जीवन की घटनाएं मानव समुदाय के संगठन और विघटन के रूप में भावी क्षणों में प्रतिष्ठित हैं। तो अगर विवेक संपन्न है, विज्ञान संपन्न है, ऐसी विचार मर्यादा के आधार पर है, तो अंतरराष्ट्रीय जीवन वो संगठन के की तरफ होगा। अगर वो अविवेक पूर्ण है, सामान्य ज्ञान संपन्न विचार है, ऐसी मर्यादा के आधार पर है, तो ऐसा अंतरराष्ट्रीय जीवन विघटन के रूप में होगा, जो कि हम लोग के सामने प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। सीमा के आधार पे माना हुआ है, मानव के आधार पे नहीं माना हुआ है, क्योंकि उसके पीछे मानना ही है, जानना नहीं हुआ कि विवेक पूर्वक मानव है, मानव जो है उसका धरती की एक ज्ञानावस्था की इकाई है, और मानव जो है ये अखंड है, समाज अखंड है, ऐसा हमने स्वीकारा नहीं हुआ है, व्यवस्था सार्वभौम है, ऐसा स्वीकारा नहीं हुआ है। यही अविवेकपूर्ण विचार हुआ, यही मर्यादा विहीन विचार हुआ, यही सामान्य ज्ञान वाला विचार हुआ, विज्ञानपूर्ण विचार नहीं हुआ। ऐसे विचार के साथ अंतर्राष्ट्रीय जीवन जो है वो संगठन को नहीं प्राप्त होगा, विघटन को ही प्राप्त होगा। फिर हम किसी न किसी सीमा में ही रहेंगे, फिर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था जो कि मानसिकता में आनी है वो मानसिकता में नहीं आई है। इसके लिए ही अध्ययन और अभ्यास चल रहा है। मानव समुदाय रूप में जितना विघटन को प्राप्त करे उतना ही ह्रास है, तथा जितना संगठन को प्राप्त करे उतना ही जागृत परंपरा की ओर उन्नति है। तो समुदाय रूप में अगर विघटन को प्राप्त करेगा तो ह्रास ही होगा, अगर वो संगठन को प्राप्त करेगा तो जागृति की तरफ जाएगा, फिर उसी समुदाय को हम समाज बोलेंगे, और ऐसे ही समाज को जागृत परंपरा जब हो जाएगी धरती पे, तो ऐसे ही समाज को हम अखंड समाज बोलेंगे। तो मानव समुदाय में गलती के बिना वैचारिक मतभेद सिद्ध नहीं है। सही के अर्थ में क्या वैचारिक मतभेद होगा? आपके लिए भी वही सही है, मेरे लिए भी वही सही है, तो कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। लेकिन आपके लिए जो सही है मेरे लिए वो गलत है, मेरे लिए जो सही है वो आपके लिए गलत है, यही वैचारिक मतभेद है। इसका मतलब है न तो सही को मैं जान पाया हूं, न तो सही को आप जान पाए हैं। तो दोनों ही अगर सही को जान नहीं पाए हैं तो वैचारिक मतभेद है। इसके लिए कार्यक्रम क्या निकला कि दोनों आराम से सही को जान ले। जैसा कि मुझे जब पहला शिविर किया
तो उसमें सोम भाई का पहला शिविर 2007 में मैंने किया हरिद्वार में। तो मैं बहुत सारा सही को माने हुए था, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, इसके कारण बहुत सारे जो घर में जो कुछ भी होता था उन सभी चीजों को सही माना हुआ था, जो हमारे आसपास जो भी कुछ होता था उसको सही मान के ही जीता था, और उससे मुझे कोई विरोध भी नहीं था, ऐसा नहीं उसके कारण कोई विरोध में था, और विरोध के कारण मैं शिविर करने चला आया। मैं तो एक मित्र के कहने से उस शिविर में आ गया कि शिक्षा में काम करना है तो ये भी एक अच्छी जगह है, एक अच्छी बात होती है, इसको भी आप आकर के सुन लीजिए। तो मैं भी सुनने के लिए गया, सुनने के लिए गया तो मुझे लगा कि ये सही बता रहे हैं या मेरी बात को गलत बता रहे हैं। तो पहला शिविर में 3-4 दिन तो इसी में चला गया कि सही बता रहे हैं या मेरी बात को गलत बता रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। 4th दिन के शाम से और 5वें दिन से हमको ध्यान जाने लगा कि नहीं नहीं कुछ तो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तार्किक है, जो बात भी कह रहे तार्किक है, जीने योग्य है। और चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो मुझे लगता था साइंटिफिक भी है। अब मैं नकार नहीं पा रहा था, नकार भी नहीं पा रहा था, स्वीकार भी नहीं पा रहा था, मैं अपने विचार को सही मानूं या इसको सही मानूं, क्या करूं। तो मैं एक उलझन में आया, उलझन में आकर के सोम भाई से काफी बातचीत किया। फिर जब शिविर पूरा हुआ तो मैं अगले शिविर की डेट वहीं तय करके और वहीं से पूछ करके गया, और अगले शिविर में 3 महीने बाद फिर मैं पहुंच गया और पहले दिन से ही सुनने की बैठक में बैठ गया। और मुझे लगा, सोम भाई ने भी कहा कि आपके पहले दिन से ही प्रश्न सही को समझने की दिशा में जा रहे हैं, अभी उलझाऊ नहीं है, क्योंकि मैं 3 महीना में जो कुछ भी मैं अब तक जीता आया था उसको देख पाया कि सही तो नहीं था। अगर सही है तो झगड़े क्यों है, सही है तो परिवार में झगड़े क्यों है, सही है तो फिर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्यों है, फिर जाति क्यों है, जात के आधार पर भेद क्यों है, शहर वाले को बड़ा, अंग्रेजी बोलने वाले को बड़ा, मतलब मैं ऐसे जगह से हूं जहां पर पैसे को उपलब्धि और अंग्रेजी को ज्ञान माना जाता था, बहुत सारे जगहों पर है, ऐसा नहीं मेरे ही जगह पे है, पैसे को बड़ी उपलब्धि, आप कितने भी बड़े विद्वान हैं इसका कोई मतलब नहीं है, आपके पास पैसा कितना आया है उतने उसके अनुसार आपका मूल्यांकन होता है, और आप अंग्रेजी कितना बढ़िया बोलते हैं इससे आपकी विद्वता पता चलती है। मैं BSc किया, MSc किया, अंग्रेजी फराटेदार नहीं बोलता था तो मुझे विद्वान लोग मानते नहीं थे, अच्छा मैं था भी नहीं, अब तो लगता मैं था भी नहीं, लेकिन मैं सोचता था क्यों मानते नहीं है, क्योंकि मैं अंग्रेजी फराटेदार नहीं बोलता था। तो ये सब चीजों को मैं देखता था कि अंग्रेजी के आधार पे, भाषा के आधार पे, कपड़े के आधार पे, गाड़ी के आधार पे, अगर ये सारे आधार पे लोगों का मूल्यांकन हो रहा है और झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, तनाव हो रहा है, भेद पैदा हो रहा है, तो फिर सही क्या है। तब मैं 3 महीने जो समीक्षा किया उसमें मुझे लगा ये सही तो नहीं है, उसके कारण अगले शिविर में मेरे पहले दिन से प्रश्न बनने लगे जो कि सही की दिशा में बनने लगे। तो मानव समुदाय में गलती के बिना वैचारिक मतभेद सिद्ध नहीं है, गलती है, गलत को कोई ना कोई तो गलत को स्वीकार के बैठा ही हुआ है, तभी मतभेद है। जब सभी सही को स्वीकार लेते हैं, सही को पहचान लेते हैं, तो मतभेद कहाँ का, मतभेद का सवाल ही नहीं होता। पानी पीने से प्यास बुझती है, ये मैंने भी स्वीकार लिया, आपने भी स्वीकार लिया, सभी ने स्वीकार लिया, तो पानी पीने, प्यास लगने पे पानी ही पीना है, इसमें क्या झगड़ा है, क्या लड़ाई है, ये वस्तु के लिए, ये तो सुविधा के लिए है। ऐसे ही ज्ञान के लिए, जिसको हम ज्ञान बोल रहे हैं, ज्ञान पता चल जाए ज्ञान क्या चीज है, वास्तविकता क्या चीज है, क्या लक्षण है, क्या लोक है, क्या लोकेश है, तो संपूर्ण लोक लोकेश में संपृक्त है, ऐसा पता चलता है। फिर सभी 4 अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई, आपस में सह अस्तित्व, सभी अवस्थाएं आपस में पूरक है। मानव पूरक नहीं हो पाया है क्योंकि मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है, ज्ञान पूर्वक पूर्वक होगा, अभी उसके सामने ज्ञान का प्रस्ताव आया नहीं, जो कुछ भी प्रस्ताव आया वो सुविधा और संघर्ष वाला आया, लड़ाई वाला आया, झगड़े वाला आया, किसी सीमा वाला आया, देश की सीमा, जाति की सीमा, धर्म की सीमा, ये सीमा वाला प्रस्ताव आया। ऐसा प्रस्ताव के होते हुए सही क्या समझेगा, सही की तरफ कहाँ ध्यान जाएगा, तो सही की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो वैचारिक मतभेद उसी को बोला है। अगर गलती है तो वैचारिक मतभेद है, एक भी गलत है तो वैचारिक मत, मैं कितना भी सही बोलूं जिसके साथ व्यवहार कर रहा हूं वो गलत को ही सही स्वीकार के बैठा हुआ है तो मुझे तो मतभेद में मानेगा ही। मैं भले मान रहा हूं कि अभी गलती इसको समझ नहीं है, इस व्यक्ति को समझ नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वो तो हमें ही गलत मानेगा। तो गलती अगर एक के पास भी है तो वैचारिक मतभेद है ही, इसलिए सही की तरफ सबका ध्यान जाए, सही को सभी स्वीकार पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा लोग लगे हुए हैं,
मैं तो बहुत ही छोटा काम कर रहा हूँ, शिक्षा के मानवीकरण से जुड़ा हुआ हूँ, इसके लोक व्यापीकरण के लिए थोड़ा मोटा प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे भाई जो अपना सब कुछ, नौकरी भी छोड़ दिया, घर भी छोड़े हुए हैं और इसके प्रयास में लगे हुए हैं, मुझसे श्रेष्ठ मैं उनको पाता हूं। तो किस लिए लगे हुए हैं? कि सभी का ध्यान सही की तरफ चला जाए, सभी सही को स्वीकार पाए, सही क्या है उसके लिए लग पाए, उसके लिए अध्ययन और अभ्यास शुरू हो जाए। अगले सिद्धांत पे आते हैं कि नियम पूर्वक किए गए, ये तो परिभाषा में हो गया था ये दोनों अनुभूतियां। तो सिद्धांत मात्र सत्य ही है, सिद्धांत वैविध्यता का कारण नहीं है, सिद्धांत में वैविध्यता है भी नहीं, यदि है तो सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत की परिभाषा में देख रहा था कि नियति क्रम सिद्ध जो है वो सिद्धांत है। तो जो नियति क्रम सिद्ध है, अगर नियति क्रम सिद्ध कोई चीज है तो सत्य ही है ना वो, और अगर उसमें विविधता आ रही है सिद्धांत में, आपका सिद्धांत, मेरा सिद्धांत, उनका सिद्धांत, उनका सिद्धांत, मैं बीएड करता था, एमएड में पढ़ा, सिद्धांत पढ़ पढ़ के रट रट के दिमाग खराब हो गया, इनका सिद्धांत, उनका सिद्धांत, उनका सिद्धांत। तो अगर सिद्धांत है, नियत क्रम से सिद्ध है, तो फिर उसमें वैविध्यता कहां? अगर वैविध्यता है तो उसको सिद्धांत कैसे कहें? वो सिद्धांत है ही नहीं फिर, क्योंकि सिद्ध ही नहीं है, नियत क्रम में नहीं है। तो नियत क्रम क्या है? तो सत्य ही नियत क्रम है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, सह अस्तित्व है, यही नियत क्रम है, यही सिद्ध है। तो मानव लक्ष्य, भैया पता नहीं आप आ गया होगा, वैसे अब आ गया होगा, एक मिनट, इसी फोन से ही है। जी भैया, हाँ आवाज आ गई अब, सॉरी, हाँ आवाज आ गई अब, सॉरी। जी जी, तो मैं यहाँ पर था कि मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि, क्षमा करिएगा थोड़ा सा हमारे यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि ये एरिया सीलिंग वाला एरिया है ना, तो कभी हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई होगी। भौतिक, तो इसमें जो मानव लक्ष्य की बात कर रहा था कि समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व को पहचानने के लिए प्राप्त ज्ञान ही विवेक है, इसकी हमने चर्चा किया। अब आगे आते हैं कि अस्तु अंतरराष्ट्रीयता का मूल उद्देश्य बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि का संतुलन एवं संरक्षण बनाए रखना ही सिद्ध होता है, जिससे अखंड मानव समाज में सह अस्तित्व सिद्ध होता है, अन्यथा सह अस्तित्व विहीन मानव समुदाय विखंडन के रूप में है ही। तो इसको अगर देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीयता का मूल उद्देश्य बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि का संतुलन एवं संरक्षण बनाए रखना, ये मुख्य बात है। अभी क्या हुआ कि भौतिक समृद्धि के तरफ हमारा ध्यान पूरा का पूरा गया, उसके कारण जो बौद्धिक समाधान है उसको हमने, अभी हम बौद्धिक समाधान को पूरा का पूरा, बाकी की जो अवस्थाएं हैं उनके रूप गुण स्वभाव धर्म के अध्ययन करने को ही हमने बौद्धिक समाधान मान लिया। इसके कारण जो बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि का संतुलन होना चाहिए वो बिगड़ गया। तो जितना हम भौतिक उपलब्धि कर ले गए, जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी बहुत सारी बढ़ा ले गए, लेकिन उसका सदुपयोग करना हम नहीं सिखा पाए, तो उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। तो जितना जितना हम तकनीकी में आगे चलते चले गए, उतना उतना हम समझ में आगे जाते नहीं जा पाए, जिसके कारण दोनों में संतुलन न होने से हर सुविधा का दुरुपयोग, हर वस्तु का दुरुपयोग और संबंध का भी दुरुपयोग, इस दिशा में हम बढ़ गए। तो जो अंतरराष्ट्रीयता का जो मूल उद्देश्य था कि जो बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि, इन दोनों का संतुलन और संरक्षण ये हो नहीं पाया, इसके कारण अखंड समाज में सह अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग अध्ययन और प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जागृत परंपरा हो, जिससे कि मानवीय परंपरा हो, और मानवीय परंपरा जागृत परंपरा में ही अखंड समाज सिद्ध होगा, सार्वभौम व्यवस्था सिद्ध होगा। अगली जो अनुभूति है कि अंतरंग एवं बहिरंग भेद से सुगमताएं एवं दुर्गमताएं हैं। तो वैचारिक और व्यवहार, ये दो तरह के हमारे बहुत सारे अंतरंग साधन, बहिरंग साधन की भी बात पीछे की गई है, उसी की चर्चा यहाँ से है कि जितना जितना हम वैचारिक समाधान हमको होता है उतना उतना सुगमताएं होती हैं, और जितना जितना हमारा केवल बहिरंग हम परिवर्तन, केवल व्यवहार को बदलने की बात करने से दुर्गमताएं ही होंगी,
कोई सुगमता नहीं होगी, जब तक मेरी आशा विचार इच्छा एक सूत्रित नहीं होगी, हमारी आशा विचार इच्छा संकल्प के अनुसार नहीं होगी, न्याय धर्म सत्य के अनुसार नहीं होगी, तब तक मेरे में जो सुगमताएं हैं वो नहीं होंगी, फिर दुर्गमताएं ही होंगी। क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन बिना विचार में परिवर्तन के होता नहीं है, विचार में परिवर्तन हुए बगैर अगर व्यवहार में परिवर्तन होगा तो कोई न कोई अभिनय होगा, कोई न कोई एक्टिंग होगी, जो कि किसी न किसी समय हमको अस्वीकार हो जाती है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि का, व्यक्तित्व के रूप में चरित्र का, प्रामाणिकता से सामाजिकता का, न्याय पालन प्रबोधन तथा पोषण से राष्ट्रीयता का, विज्ञान एवं विवेक से प्राप्त समृद्धि समाधान अभय सह अस्तित्व से अंतर्राष्ट्रीय जीवन का वैभव है, अन्यथा में ह्रास है। तो जो इस पेज पे हमने अंतर्राष्ट्रीय जीवन की चर्चा की थी, उस अंतर्राष्ट्रीय जीवन को यहाँ आके स्पष्ट किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन का वैभव क्या है। तो विवेक विज्ञान व विवेक से प्राप्त समृद्धि समाधान अभय सह अस्तित्व। समृद्धि तो बिना विवेक के होती नहीं, फील ही नहीं होती है। तो जो वस्तुओं का संग्रह करना समृद्धि है नहीं, ये बिना विवेक के होता ही नहीं है। हमने भ्रमवश हमने वस्तुओं के संग्रह को ही से लगा कि समृद्धि हो जाएगी। तो विज्ञान एवं विवेक से प्राप्त समृद्धि समाधान अभय सह अस्तित्व से अंतर्राष्ट्रीय जीवन का वैभव है, अन्यथा में ह्रास है। और ये कैसे होगा? तो ये न्यायपालन प्रबोधन पोषण से राष्ट्रीयता होगी। इस राष्ट्रीयता होगी, और राष्ट्रीयता कैसे होगी? तो प्रामाणिकता से सामाजिकता आएगी, और व्यक्तित्व के रूप में चरित्र का, और अधिक आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि। तो कुल मिलाकर के समृद्धि समाधान अभय सह अस्तित्व, ये जो परंपरा है, इस ये जो मानव लक्ष्य है, ये मानव लक्ष्य पूर्वक अगर परंपरा बनती है, यानी मानव समाधान पूर्वक समृद्धि और समाज के रूप में अभयता को और सह अस्तित्व को, ऐसे अनुभव संपन्नता को, ऐसे जागृत जीवन को पाते हैं, तो जो जागृत परंपरा होती है उसमें अंतर्राष्ट्रीयता का वैभव होता है। बिना जागृत परंपरा के अंतर्राष्ट्रीयता का वैभव नहीं है, अन्यथा ह्रास ही है। संग्रह कामना तृप्ति का पोषक नहीं है, क्योंकि संग्रह का पूर्ति नहीं है। अगर हमारे में संग्रह कामना है तो तृप्ति होगा नहीं, क्योंकि संग्रह का पूर्ति ही नहीं है, क्योंकि संग्रह का मतलब ही है, पता ही नहीं है कितना चाहिए। तो जो ऊपर आया है आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि, तो आवश्यकता का पता होगा तब तो पता चलेगा मेरी आवश्यकता क्या है, और फिर उससे अधिक उत्पादन के बाद हमारे में समृद्धि आएगी। तो आवश्यकता का पता होना, संग्रह का मतलब ही है कि आवश्यकता का पता ही नहीं है। तो जब आवश्यकता का पता ही नहीं है तो कितना संग्रह करना है इसका भी पता नहीं है। तो जब कितना संग्रह इसका पता ही नहीं है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो उसकी पूर्ति ही नहीं हो सकती। तो मानव आकांक्षाएं सामान्य आकांक्षाओं तथा महत्वाकांक्षाओं के रूप में परिलक्षित हैं, एवं मानव द्वारा तदनुसार ही उत्पादन उपयोग सदुपयोग विधि से अर्थ का नियोजन है। अर्थ यानी तन मन धन का नियोजन उत्पादन व उपयोग सदुपयोग विधि से ही होगा। और मानव की जो आकांक्षाएं हैं वो हमने पीछे भी देखा होगा, सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा के रूप में है, जो कि अगली अनुभूति में आ रहा है कि मानव की सामान्य आकांक्षा आहार आवास एवं अलंकार भेद से है, जिसकी पूर्ति के लिए वह उत्पादन एवं उपभोग सदुपयोग में व्यस्त है। मानव की महत्वाकांक्षाओं को मूलतः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, दूरगमन दूर श्रवण दूरदर्शन। इनकी पूर्ति हेतु भी मानव उत्पादन एवं उपयोग में व्यस्त है। सामान्य आकांक्षा की आपूर्ति से अपूर्ति से असंतोष, पूर्ति से सशंकता तथा अधिकता से संतुष्टि होती है। तो जो सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं हैं, अर्थात आहार आवास और अलंकार की वस्तुएं हैं, उनकी अपूर्ति अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो उससे एक असंतोष होता है, एक भय होता है, एक अभयता नहीं रहती है, एक भय बनता है, उसी को असंतोष बोल रहे हैं। पूर्ति हो जाती है तो भी सशंकता रहती है, एकदम बॉर्डर लाइन है तो भी होगा कि कहीं कोई आ गया, कहीं कोई बाधा आ गई, कोई विपदा आ गई तो क्या होगा। जैसे इस समय क्या है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान अगर घर में है, तो जैसे परसों हम लोगों को सूचना मिली कि गाजियाबाद जिले को सील कर दिया जाएगा, मैं इस समय गाजियाबाद तो सील कर दिया जाएगा, उसमें ये नहीं बताया गया कौन से इलाके सील कर दिए जाएंगे। अब जिनके पास केवल
बस आज शाम के लिए लिए ही आटा चावल दाल था, उनको एक ससंगता हो गई, कल का क्या करेंगे। अगर कल का परसों का भी होता तो ससंगता नहीं होती, तो थोड़ा ज्यादा होता तो ससंगता नहीं होती, तो लोग लाइन लगा लिए दुकानों पे। फिर पुलिस वाले घूम के बताना शुरू किए कि आपका इलाका नहीं सील होगा, कुछ स्पेसिफाइड इलाके हैं वही सील होंगे। फिर बहुत सारे लोग अपने घर चले गए, चलो कल आके ले लेंगे। तो दुकान में है, पड़ा हुआ है और दुकान खुलेगी। ये शहर वालों के लिए है कि दुकान में है और दुकान खुलेगी, गांव वालों के लिए तो खैर वैभव ही है सारा जो अपनी खेती करते हैं। तो दुकान में है, खुलेगी, ये भी एक संतोष ही है। तो पूर्ति से ससंगता, अगर पूर्ति हो गई तो ससंगता रहेगी, लेकिन अधिकता हो गई तो संतुष्टि हो जाती है कि हाँ मेरे उपयोग के लिए जितना आहार आवास अलंकार की वस्तुएं चाहिए उससे एक ज्यादा है, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो हमारे मन अंदर संतुष्टि होती है। तो महत्वाकांक्षा की पूर्ति से कौतूहल, अपूर्ति से कौतूहल, पूर्ति से तृप्ति तथा अधिकता से असंतोष होता है। ये मूल अंतर है सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के वस्तुओं में, कि सामान्य आकांक्षा में जो है वो अधिकता से संतुष्टि होती है, लेकिन महत्वाकांक्षा की अपूर्ति से कौतूहल रहता है क्या हो रहा होगा। जैसे दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण, उसके बारे में क्या है, जानना, सुनना, तो नहीं सुना है, नहीं जाना है, नहीं देखा है, तो कौतूहल होता है। देख लिया, जान लिया, सुन लिया, तो तृप्ति होती है। लेकिन अब केवल वही सूचना, बहुत सारे लोगों ने समाचार देखना छोड़ दिया। क्यों? वही सूचना। तो अधिकता से, ये महत्वाकांक्षा की वस्तुओं के अधिकता से असंतोष होता है। ये सब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देख सकते हैं, जबकि सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं की अधिकता से संतुष्टि होती है। ये जो यहां तक का पूरा था, ये आवश्यकता के ऊपर था, आवश्यकता के और उसकी पूर्ति के ऊपर। उसमें हमने सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को देखा, उसकी वस्तुएं और उनकी पूर्ति, आपूर्ति और अधिकता। तो देखते हैं सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं की पूर्ति हो जाने से तृप्ति, ससंगता बनी ही रहती है, और थोड़ा अधिक हो जाता है तो संतुष्टि हो जाती है, जबकि महत्वाकांक्षा की वस्तुओं की पूर्ति होने पर ही तृप्ति हो जाती है। हमने सुन लिया एक सूचना कि जैसे कोई, हम लोग यहाँ दिल्ली के टीचर्स के साथ बोलते हैं कि कोई एक सर्कुलर आ गया, अब उस सर्कुलर को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया, अब उसको बार बार कोई पढ़ाता बताता है या बार बार उस सर्कुलर को अगर कोई अपलोड करता है तो हम बोलते हैं क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही देखेंगे जो जो, जो महत्वाकांक्षा की वस्तुएं हैं उनको, महत्वाकांक्षा मतलब दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण, दूर की चीजें देख लेना, उनको सुन लेना, उनको जान लेना। अब सुन लिया, जान लिया, तृप्ति हो गई। अब बार बार वही सुन रहे हैं, बार बार वही जान रहे हैं, बार बार उसी को देखना, तो इससे क्या होता है, एक असंतोष हो जाता है। इस बात को, इन बातों को पीछे की लाइनों में समझाया गया। अभी हमारे पास समय 3 मिनट का है, तो अगली जो अनुभूति है उसको देखते हैं कि न्यायवादी तथा अवसरवादी नीति भेद से ही मानव ने दूसरों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया है, जो देश, भाषा, वर्ग, जाति व बल प्रभावी भेद से पाया जाता है, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा या विद्रोह के रूप में व्यक्त होता है। तो मानव ने जो नियंत्रण पाया है उसमें दो ही विधियां हैं, या तो न्यायवादी विधि हो सकती है या अवसरवादी विधि हो सकती है। अगर हमने देश, भाषा, वर्ग, जाति, बल, प्रभाव इस भेद से अगर देखा है तो सब अवसरवादी है, और फिर इसके कारण ही राष्ट्र के प्रति निष्ठा, और अगर न्यायवादी है सारा का सारा जो नियंत्रण है, स्वनियंत्रण मतलब न्यायवादी का मतलब क्या हुआ, स्वनियंत्रण पूर्वक, तो उससे राष्ट्र के प्रति निष्ठा। और अगर अवसरवादी नीति है सारा का सारा, जो देश, भाषा, वर्ग, जाति, बल इन सबको प्रभावी मानता है, तो इसके कारण विद्रोह। तो हमको जैसी नीति अपनाते हैं, अगर न्यायवादी अपनाते हैं तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, और अवसरवादी अपनाते हैं तो राष्ट्र के प्रति विद्रोह, ऐसा व्यक्त होता है। अन्यायवादी विधि कानून व नीति से हिंसा, प्रतिहिंसा, ससंगता तथा आतंक का प्रसव होता है। ये तब हम सभी आसानी से समझ ही सकते हैं। हर मानव में न्याय की याचना जन्मजात स्वभाव के रूप में पाई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण योग्य अध्ययन अति आवश्यक है। इसको हम लोग शिविरों में भी कहते हैं, अपने शिक्षा में तो हम लोग शुरुआत ही यहीं से करते हैं। हर बच्चा जन्म से न्याय का याचक होता है, उसको अन्याय एक पल भी स्वीकार नहीं होता, न्याय की समझ नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि कुछ तो अन्याय हुआ, कुछ तो गलत हुआ,
ऐसा मैं नहीं चाहता था, ऐसा मैं, मेरे द्वारा भी कुछ गलत हुआ, दूसरे के द्वारा भी कुछ गलत हुआ, तो न्याय की समझ नहीं है, लेकिन फिर भी न्याय की चाहत हर मानव में जन्मजात स्वभाव के रूप में पाई जाती है। भ्रमवश माने हुए न्याय से अन्याय का, अन्याय से अन्याय दमन करने के लक्ष्य से, भ्रमवश माने हुए न्याय से अन्याय का और अन्याय से अन्याय दमन करने के लक्ष्य भेद के आशय से समस्त विधि विधान एवं नीतियों का अनुमोदन मानव करता है। इसी आधार पर एक अथवा अनेक राष्ट्रों का जीवन असफल है। हमने भ्रमवश कुछ चीजों को न्याय मान लिया है, इसके कारण ही अन्याय हो रहा है, और हम अन्याय का दमन भी अन्याय से ही करना चाहते हैं, तो अन्याय का दमन अन्याय से करना चाहेंगे तो वो होता नहीं है। तो या तो भ्रमवश हमने कुछ चीजों को न्याय मान लिया है, उसके कारण हम न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय ही कर रहे हैं, और जो अन्याय हो रहा है उसका दमन भी हम अन्याय के द्वारा कर रहे हैं। इसके लिए हमने विधि बनाई है, इसके लिए विधान बनाया है, इसके लिए नीतियां बनाया है, उसका अनुमोदन भी किया है। इसी आधार पर एक अथवा अनेक राष्ट्रों का जीवन असफल है, सफल नहीं है। सफल तो न्याय के आधार पर होगा, न्याय समझ में आएगा, न्याय शिक्षा विधि में आएगा, मानव न्याय पूर्वक जीने लगेगा, जागृत मानव परंपरा होगी, अखंड समाज होगा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की मानसिकता के साथ मानव होगा। ऐसी मानसिकता के साथ मानव के होने पर राष्ट्रीय जीवन सफल होगा, और ऐसे राष्ट्रों में जब सफल होगा तो अंतरराष्ट्रीय जीवन भी सफल होगा। तो हम अन्याय को अन्याय से नहीं रोक सकते। भ्रमवश हमने कुछ चीजों को न्याय मान लिया है, उससे हम अन्याय ही कर रहे हैं, न्याय कर नहीं पा रहे हैं, तो न्याय को पहचानना पड़ेगा। तो आज हमने लक्षण लोक आलोक में, हमने लक्षण लोक आलोक और लक्ष्य में हमने देखा कि मानव लक्ष्य को कैसा लक्ष्य लेके आगे चल रहा है, जिसको लक्ष्य मान करके या समझ करके, मान के चल सकता है या समझ के चल सकता है, मान के चलता है तो कोई ना कोई भोग की तरफ जाता है, समझ के चलता है तो फिर वो प्राप्ति की ओर जाता है, फिर वो अनुभव की ओर जाता है, जागृति की ओर जाता है। तो ऐसी कुछ बातें इस अध्याय में इसको लेकर के आई थी। इसमें हमने लक्ष्य को देखा और सामाजिकता को देखा, हमने आवश्यकता और जो हमारी सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा है उसको देखा, और थोड़ा सा अन्याय को थोड़ा सा इंगित करने का प्रयास किया। आज के दिन इतना पर्याप्त रहेगा, कल के लिए फिर आगे और इसको जारी रखेंगे। आप सब बड़े धैर्य पूर्वक आराम से बैठ करके इसको सुने, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं प्रश्नों को देख लूंगा, फिर जैसा जैसा मेरे जो उत्तर समझ में आएगा मैं उत्तर दूंगा, नहीं तो मेरे से श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं। 3 पेज हमने किए थे, उसमें लक्ष्य के बारे में जो कुछ भी बात हुई थी कि लक्ष्य हम कुछ न कुछ मान करके जीते ही हैं। अब उसमें से या तो भोग हो सकता है, या प्राप्त योग होगा, या अनुभव होगा, जागृति होगी, प्राप्त योग होगा, उस पर कोई न कोई लक्ष्य के साथ हम होते ही है, और किसी न किसी को लक्ष्य मान के हम जीते ही है, ऐसा देखा। फिर सामाजिकता क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा किया। फिर अगले पेज पर जो आवश्यकता है हमारी, खासकर जो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है, उसको लेकर के कुछ बात हुई, और फिर कुछ न्याय और अन्याय को लेकर के थोड़ी सी चर्चा हुई। उसके आगे की जो अनुभूतियां हैं उनको पढ़ता हूं। एक तो है कि पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है, अपूर्ण दर्शन मानव संपर्क की सीमा तक है। इसकी 3 अनुभूतियों को मैं एक साथ पढ़ के फिर कनेक्ट करता हूं। रहस्यों का उन्मूलन करने वाले दर्शन को पूर्ण दर्शन संज्ञा है। रहस्यों का निवारण सह अस्तित्व में जागृति रूपी आध्यात्म ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के एक सूत्रात्मक अध्ययन से ही संभव है। तो इन 3 अनुभूतियों को जोड़ते हैं, तो जो पहला बोले कि पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है, तो पूर्ण दर्शन कह किसको रहे हैं, कि रहस्यों का उन्मूलन करने वाले दर्शन को पूर्ण दर्शन कह रहे हैं। इसको और स्पष्ट किए कि रहस्यों का निवारण सह अस्तित्व में जागृति रूपी अध्यात्म ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के एक सूत्रात्मक अध्ययन से ही संभव है। इन 3 का एक सूत्रात्मक अध्ययन, मतलब अध्यात्म ज्ञान जिसको कारणात्मक बोला, बौद्धिक ज्ञान जिसको गुणात्मक बोला, और भौतिक विज्ञान जिसको गणितात्मक बोला, इसकी पीछे भी चर्चा आई थी, इन 3 के एक सूत्रात्मक अध्ययन से ही
रहस्यों का निवारण सह अस्तित्व में हो सकता है। केवल एक पक्ष को लेकर के, केवल भौतिक विज्ञान को एक्सप्लोर करके हम रहस्यों का निवारण नहीं कर सकते, अर्थात रहस्यों का उन्मूलन नहीं कर सकते, अर्थात पूर्ण दर्शन हमें नहीं हो सकता। तो पूर्ण दर्शन के लिए आध्यात्म ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों में एक सूत्रता, क्योंकि आवश्यकता तीनों है, गणितात्मक भी है, गुणात्मक भी है और कारणात्मक भी है। मतलब हमको भौतिक वस्तुओं का भी अध्ययन करना है क्योंकि हमें समृद्धि पूर्वक जीना है, हमें साधनों की आवश्यकता है क्योंकि मेरा शरीर है, शरीर को जिंदा बनाए रखना है, संबंध है, संबंध को निर्वाह करना है, इसके लिए साधनों की आवश्यकता है, इसके लिए भौतिक विज्ञान की आवश्यकता है। संबंधों में जीना है तो व्यवहार करना है, व्यवहार में मूल्यों को समझना है, मूल्यों में गुण स्वभाव को समझना है, ऐसा समझने को बौद्धिक विज्ञान बोला, ऐसे को ही गुणात्मक बोला। और सत्य क्या है उसको भी समझना है, क्योंकि हमारी तो यात्रा सत्य तक की है, उसको भी समझना है। जब इन ये तीनों सिंक्रोनाइज होंगे, एक सूत्रात्मक हो जाएंगे, तो रहस्य का उन्मूलन होगा, उसको ही पूर्ण दर्शन बोल रहे हैं, वही पूर्ण दर्शन है। और पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है, अपूर्ण दर्शन मानव संपर्क की सीमा तक है। तो लोक व्याप्त है, लोक तक है, जहां तक लोक है, तो पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है, और जो अपूर्ण दर्शन है वो मानव संपर्क की सीमा तक है, जहां तक हमारा संपर्क है वहां तक ही हमारा हम देख पाते हैं, उसको अपूर्ण दर्शन बोला। और जब तीनों ही दृष्टियों से देख पाते हैं, सत्य क्या है, सह अस्तित्व सत्य है, रहस्य क्या है, रहस्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ नियम से है, पूरा जो अस्तित्व है नियम से है, नियम पूर्वक है। तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, इसको पीछे भी चर्चा किया, आगे भी चर्चा करेंगे। ये सारे को जब हम एक सूत्रात्मक विधि से अध्ययन करते हैं तो पूर्ण दर्शन होता है, ऐसा इन तीन अनुभूतियों में कहा गया है। आगे देखते हैं, तो लोक के प्रति अनासक्त मानवों ने ही ज्ञानानुभव किया है, ऐसे अनुभूत व्यक्तियों में व्यवहारिक संतुलन एवं वैचारिक समाधान सहज ही रहता है। लोक के प्रति अनासक्त मानवों ने, यानी लोक के, लोक है, लोक भी जो है वो एक सच्चाई के रूप में है, इकाई के रूप में है, भौतिक विज्ञान है, लेकिन वो पूरा नहीं है, उसमें ही हम आसक्त हो जाते हैं, तो हम फिर विषयासक्त हो जाते हैं, फिर हम भोग को ही प्राथमिकता में ला देते हैं। और ऐसे जो इनसे अनासक्त हुआ, अभी जो अनासक्त हुआ उसने ही ज्ञान अनुभव किया, ज्ञान का अनुभव किया, ज्ञान हम व्यापक को भी बोलते हैं, सह अस्तित्व को बोलते हैं, तो सह अस्तित्व में अनुभव हुआ। और ऐसे अनुभूत व्यक्तियों में व्यवहारिक संतुलन और वैचारिक समाधान सहज रहता है, क्योंकि वैचारिक समाधान हुआ है इसलिए व्यवहारिक संतुलन रहता है। विचार में अगर समाधान है, विचार अनुभव मूलक है, विचार बोध पूर्वक है, तो व्यवहार तृप्तिदायक होता है, मेरे लिए भी दूसरे के लिए भी। ऐसे व्यवहार को व्यवहार संतुलन बोलते हैं, ये चूंकि विचार से आ रहा है तो विचार में समाधान होता है तो व्यवहार में संतुलन होता है, ऐसे अनुभूत व्यक्तियों में होता है जो कि लोक के प्रति अनासक्त है। अब अनासक्ति को भी पहचानते हैं, नीचे की अनुभूति में बता रहे हैं बाबा जी कि इच्छा की अपेक्षा में संवेदन क्रिया अल्प है, यानी जितनी इच्छा होती है उसके तुलना में देखें तो जो संवेदना है, शरीर की इंद्रियों की संवेदना, वो काफी अल्प है, बहुत कम है। इच्छा शक्ति अधिक से अधिक क्रिया में व्यस्त है, अधिक से अधिक क्रिया में व्यस्त है। अनुपात से अधिक शक्ति नियोजन अपव्यय है, यह अपव्यय ही आसक्ति है, इसका निरोध तथा नियंत्रण ही अनासक्ति है। तो जो चीज अल्प है उसमें ही हम शक्ति का नियोजन कर रहे हैं, बड़ी शक्ति का नियोजन अल्प के लिए कर रहे हैं, यही अपव्यय है। इच्छा एक बड़ी शक्ति है, उसका सारा का सारा नियोजन हम संवेदन क्रिया में कर रहे हैं, यही अपव्यय है, यही आसक्ति है, इसका निरोध तथा नियंत्रण ही अनासक्ति है। तो ऐसी अनासक्ति होने पर ज्ञानानुभव होता है। अगर हम विषयासक्त हैं, ऐसे जो अपनी संवेदन क्रिया है उसमें ही अपनी इच्छाओं का, इच्छा शक्ति का नियोजन करते हैं, तो हम अनासक्त नहीं हो सकते, फिर हम आसक्त होते हैं, ऐसे में हमको ज्ञानानुभव की संभावना नहीं होती। अनासक्त होने पर ही ज्ञानानुभव की संभावना होती है, और ज्ञानानुभव संपन्न व्यक्ति ही सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगली जो अनुभूति है कि प्रधानतः कारणानुक्रम से आध्यात्म ज्ञान का,
गुणानुक्रम न्याय से बौद्धिक ज्ञान का और गणितानुक्रम नियम से बौद्धिक विज्ञान का अनुसंधान, आविष्कार और उपलब्धियां सार्थक होती हैं। इसकी चर्चा पहले की गई है, पीछे भी कारण गुण गणित आया होगा कि जो कारणानुक्रम से चलते हैं, कारण को के क्रम में चलते हैं, तो हमको अध्यात्म नाम की वस्तु, अध्यात्म व्यापक का ही एक नाम है, अध्यात्म नाम की वस्तु का जो अनुभव होता है, और गणितानुक्रम नियम से भौतिक विज्ञान का अनुसंधान, आविष्कार, तो अध्यात्म का अनुसंधान, न्याय का जो बौद्धिक ज्ञान है, आविष्कार और उपलब्धियां ये होती हैं, सार्थक होती हैं। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। परस्पर अनुशासित यानी नियंत्रित तथा अनुवर्तित, परस्पर अनुशासित या अनुवर्तित लोक व्यूह की ब्रह्मांड संख्या है, संज्ञा है, जिसमें अनेक सौर व्यूह है। तो जो पूरा का पूरा लोक व्यूह है, जिसको ब्रह्मांड बोल रहे हैं, वो परस्पर अनुशासित है, नियंत्रित है, इसीलिए इसको लोक व्यूह है और इसको ब्रह्मांड बोल। लोक व्यूह का मतलब लोक जो है, बहुत सारे ग्रह, गोल, पिंड, सारा जो चार अवस्थाएं, ये पूरा जो व्यूह है एक, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सौर व्यूह है। गणितानुक्रम नियम से क्रिया का, प्रतिक्रिया एवं परिपाक का, गुणानुक्रम न्याय से ह्रास एवं जागृति का, कारणानुक्रम विधि से सापेक्ष एवं निरपेक्ष ऊर्जा में संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन, आभास एवं अनुभव पूर्ण हुआ है। तो जो गणितानुक्रम नियम है उससे क्रिया का, जो प्रतिक्रियात्मक एवं परिपाक, उससे जो प्रतिक्रिया एवं परिपाक फल का, गुणानुक्रम न्याय से, गुणानुक्रम का मतलब ये हुआ जो गुणात्मक भाषा है, आप अच्छे हो, आपका व्यवहार अच्छा है, आप तो अच्छा जीते हो, आप तो अच्छा व्यवहार करते हो, आप प्यारे हो, आपसे हमको लगा, ये सब भाषा गुणात्मक भाषा है, यानी जो व्यवहार में आता है वो सब गुणात्मक क्षेत्र है। तो उससे न्याय का, गुणात्मक न्याय से ह्रास एवं जागृति का, कारणानुक्रम विधि से सापेक्ष एवं निरपेक्ष ऊर्जा में संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन, आभास एवं अनुभव पूर्ण हुआ है। तो अध्ययन, आभास, अनुभव के लिए जो कारणानुक्रम क्रिया है अर्थात, तो उसे बोलते हैं अनुभव पूर्ण हुआ। निरपेक्षता के बिना व्यापकता सिद्ध नहीं है, क्योंकि सापेक्ष मात्र ससीम है। तो जो व्यापकता है वो निरपेक्षता के बिना सिद्ध नहीं है, क्योंकि जो भी सापेक्ष शक्तियां हैं एक सीमा में है। तो जो सीमित, जो कुछ भी सापेक्ष क्रिया है, सापेक्ष शक्तियां हैं, उनकी एक अवधि है, उनकी एक सीमा है। तो कोई ना कोई निरपेक्ष है, जिसकी सीमा नहीं है, जिसकी कोई अवधि नहीं है, जो नित्य है, तो उसको पहचान में आते हैं तो व्यापकता सिद्ध होती है। तो निरपेक्षता के बिना व्यापकता सिद्ध नहीं है, क्योंकि कोई चीज व्यापक है इसका मतलब निरपेक्ष है। अगर वो सापेक्ष है तो फिर व्यापक नहीं है, क्योंकि वो ससीम है, वो अवधि में है, एक सीमा में है। इसीलिए व्यापक को ही, व्यापक ही ज्ञान, ज्ञान में अनुभव ही समझ है। तो व्यापक को ज्ञान भी एक नाम दिया है, क्योंकि जिसको हम ज्ञान बोलते हैं तो हम नियम को ज्ञान बोलते हैं, हम न्याय को ज्ञान बोलते हैं, और ये सारे के सारे जो, जिसको भी हम ज्ञान बोलते हैं, समझ बोलते हैं, वो एक आरूपात्मक है। तो आरूपात्मक सत्ता भी है, इसलिए व्यापक का एक नाम ज्ञान भी है। तो व्यापक ही ज्ञान, ज्ञान में अनुभव ही समझ, समझ ही ज्ञान, विवेक विज्ञान के रूप में प्रमाण है। ज्ञान ही नियम, नियम ही नियंत्रण, नियंत्रण ही संतुलन, संतुलन पूर्वक जीना ही मानव में न्याय, सार्वभौम व्यवस्था में न्याय पूर्वक जीना ही धर्म अर्थात समाधान, सह अस्तित्व में अनुभव ही धर्म और सत्य है। निरपेक्ष सत्ता में नियम पूर्ण ज्ञान की अभिव्यक्ति नित्य वर्तमान है। तो जैसा ये बाबा जी का जो ये लिखने का क्रम है, एक एक जो फ्लो लिखते हैं, एक जो पूरा साइक्लिक, उस रूप में इसको कहे कि व्यापक ही ज्ञान, ज्ञान में अनुभव ही समझ। तो ज्ञान में अनुभव अर्थात व्यापक में अनुभव ही समझ है, अर्थात व्यापक में अनुभव होना ही ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है। तो समझ को ही फिर आगे ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में प्रमाण है, क्योंकि समझ को, समझ पूरी समझ को क्या बोलते हैं कि ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है, अर्थात क्या है, क्यों है, कैसे है, ये पूरे के पूरे को समझ बोलते हैं। और यही चीज, यही नियम भी है। नियम का आशय पीछे चर्चा में आया होगा कि कोई भी घटना, कोई भी जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो नियम है। जैसे आम के झाड़ को हम देखते हैं,
तो आम का जो पौधा है, आम का जो पेड़ है, उसमें एक निश्चित समय पर फूल आता है, उसके फूल के कुछ समय तक रहने पर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें फल आता है, ऐसे करके उसके आम के फल के आने की भी एक निश्चित अवधि के बाद फिर वो गिर जाता है पक करके। तो ये पूरा का पूरा नियम हम पहचानते हैं और फिर उसको वो हमारे लिए ही आया है, मतलब वो प्रकृति में उपलब्ध है, हम उसका उपयोग कर पाते हैं, हमने उसमें अपने पोषण को पहचाना हुआ है। तो आम के एक पौधे को स्थूल उदाहरण देखते हैं, आम के एक पौधे में पौधे के उगने का जब हम लगाते हैं तो उसके एक निश्चित समय के बाद उसमें फूल आता है, फिर फूल आने के निश्चित समय के बाद, ये सब नियम है और ये सारे नियम की निश्चितता है, निश्चितता ही नियंत्रण है। ऐसा नहीं होता है कि इस साल आम का फूल गर्मी में आया तो अगले साल ठंडी में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, हर साल वो एक समय पर ही आता है। तो यही नियंत्रण है और ऐसा आम जो है, आम का पौधा नियम नियंत्रण पूर्वक एक बड़ी व्यवस्था में भागीदार भी है। जैसे अपने को देखें तो हमारे पोषण के लिए भी उपलब्ध है और हम उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपलब्ध है जो उसको पचाता है, तो एक तरह से पूरक भी है, तो जो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी भी करता है, यही संतुलन है। ऐसा ही संतुलन, इसको हम संतुलन बोलते हैं। तो नियम नियंत्रण संतुलन की जो पीछे काफी तात्विक चर्चा हुई होगी उसका मैं एक स्थूल उदाहरण लेकर के यहाँ पर रखा कि संतुलन पूर्वक जीना ही मानव में न्याय। अब मानव अगर संतुलन पूर्वक जिएगा, जैसे पेड़ पौधा संतुलन पूर्वक जिएगा तो क्या होगा कि वो निश्चित समय पर फल आएगा, निश्चित समय पर फूल आएगा, निश्चित अवधि तक वो रहेगा, निश्चित समय पे गेहूं हम लगाते हैं, निश्चित समय में उसमें दाने आ जाते हैं, निश्चित समय पे वो फिर पक जाता है, फिर निश्चित समय पे हम काट करके उसको उपयोग कर लेते हैं। तो ये हम बोलते हैं संतुलन है। अब हमने लगाया बीज और उगा ही नहीं, उगा तो उसमें दाने नहीं आए, दाने आए तो पता चला दाने में तो पतले हो गए, मतलब वो सारा का सारा, तो हम बोलते हैं संतुलन नहीं है। तो अगर संतुलन है तो उसको हम पहचानते हैं। तो मानव में अगर संतुलन होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो मानव में संतुलन न्याय के रूप में पहचानेंगे। एक अच्छी घटना मुझे याद आ गई है। मैं दिल्ली में जा रहा था एक मित्र के साथ और उस समय ठंडी का समय था और प्रदूषण उस समय यहाँ पीक पर होता है, तो चर्चा कर रहे थे कि भैया ये प्रदूषण कैसे यहाँ का खत्म होगा। तो हमने कहा भैया मुश्किल है, कैसे दिल्ली में प्रदूषण खत्म होगा। बोले अरे क्यों नहीं खत्म होगा। हमने कहा भैया आप अस्तित्व का डिजाइन देखो, अस्तित्व में एक निश्चित अनुपात में सब कुछ है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा पदार्थ अवस्था, उससे बहुत कम प्राण अवस्था, उससे बहुत कम जीव अवस्था और सबसे कम ज्ञान अवस्था। ये अनुपात है, ये धरती में अनुपात है और इस धरती पर तो हम ऐसा अनुपात देख ही पाते हैं। ये अनुपात जहां पर है वहां प्रदूषण कोई समस्या नहीं है। जैसे गांव में अभी भी लगभग ये अनुपात है, इसलिए वहां की हवा खराब नहीं है। दिल्ली में क्या है, मानव है और पदार्थ है, पेड़ पौधों बहुत कम है, जीव जंतु बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में हम सोच रहे हैं कि प्रदूषण कम हो जाएगा। तो भैया ये नियम पूर्वक जब है ही नहीं तो संतुलन कैसे रहेगा। जो कुछ नियम पूर्वक नहीं है वहां हम संतुलन ढूंढ रहे हैं, जबकि नियम नियंत्रण पूर्वक ही संतुलन होता है। जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके में लगभग 3-4 किलोमीटर में 5-6 लाख लोग रहते हैं, 5-6 लाख लोग बिल्डिंगों में रहते हैं और पानी खूब खींचा जाता है, समर्सिबल लगा करके खींचा जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, लेकिन पानी को अंदर जमीन में जाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो क्या होगा, फिर जल स्तर नीचे जाएगा। जल स्तर नीचे जाएगा तो क्या होगा, हम नीचे तक बोरिंग करेंगे, नीचे तक बोरिंग करेंगे, नीचे का पानी निकालेंगे, नीचे का पानी हमारे उपयोग के लिए अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता तो फिर पानी के कारण बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो क्या होगा, ये सारा का सारा असंतुलन। तो जब तक नियम नियंत्रण नहीं है, नियम पूर्वक ही नियंत्रण है। अगर नियम पूर्वक ही हम नहीं जी पा रहे हैं तो मानव ही ऐसा अभी तक देखा गया है जो कि नियम पूर्वक जीने में अभी असफल है, चाहे प्रकृति के साथ या मानव के साथ। तो प्रकृति के साथ नियम पूर्वक जीता है तो संतुलन है, मानव के साथ नियम पूर्वक जीता है तो उसी को न्याय बोल रहे हैं, उसको न्याय ही संतुलन है। तो मानव के साथ जीने में न्याय ही संतुलन है और सार्वभौम व्यवस्था में न्याय पूर्वक जीना ही धर्म है, अर्थात समाधान है। सअस्तित्व में अनुभव ही धर्म और सत्य है, निरपेक्ष सत्ता में नियम पूर्ण ज्ञान की अभिव्यक्ति नित्य वर्तमान है, ऐसा इसमें कहने का प्रयास हुआ है। नियंत्रण महिमा व्यापक और नियंत्रित अनेक है। तो नियंत्रण महिमा जो है वो व्यापक स्वयं में नियंत्रण महिमा है, व्यापक में होने से ही नियंत्रण है, व्यापक करता है ऐसा नहीं है, व्यापक में होने मात्र से नियंत्रण है। तो नियंत्रण महिमा को हम व्यापक बोल रहे हैं और उसमें नियंत्रित अनेक है, अनेक इकाइयां हैं। जो नियंत्रित है वह इकाई है, यही क्रिया है।
क्रियाएं अनंत हैं तथा समस्त क्रियाएं सत्ता में ही ओतप्रोत व नियंत्रित हैं, जिससे हर इकाई सक्त है, अर्थात सत्ता में ही हर इकाई को शक्ति प्राप्त है। तो सत्ता में डूबे भीगे घिरे होने के कारण ही हर इकाई को शक्ति प्राप्त है, शक्त है का मतलब शक्ति प्राप्त है। अब इसको थोड़ा नीचे एक बड़ा जो एक पैराग्राफ में इसको बात करने की कोशिश की गई है कि शक्त ही इकाई, इकाई ही स्पंदन, स्पंदन ही क्रिया, क्रिया ही अनेकता, अनेकता ही संपूर्णता, संपूर्णता ही परस्परता, परस्परता ही नियंत्रण, नियंत्रण ही परिणाम, परिणाम ही ह्रास एवं विकास, ह्रास एवं विकास ही अवस्था, विकसित अवस्था ही चैतन्य पद, चैतन्य पद ही स्पुरण, स्पुरण ही कंपन, कंपन ही प्रतिभा, प्रतिभा ही प्रतीति, प्रतीति ही भास, भास आभास प्रतीति ही अध्ययन, अध्ययन ही विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक ही दर्शन, दर्शन ही निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही समाधान, समाधान ही आनंद, आनंद ही पूर्णता, पूर्णता ही जागृति, पूर्ण जागृति ही विश्राम तथा विश्रामस्त इकाई ही पूर्ण शक्त है। तो जो विश्रामस्त इकाई है वही पूर्ण शक्त है। तो इसको देखेंगे कि इकाई है तो शक्त इकाई है, इकाई में स्पंदन है, स्पंदन को हम क्रिया के रूप में पहचानते हैं, क्रिया ही अनेकता है, अलग अलग तरह के क्रियाओं के रूप में हम अनेकता को पहचानते हैं और सब मिला करके एक संपूर्णता को पहचानते हैं, संपूर्णता ही परस्परता है तो संपूर्णता में ही हम परस्परता को पहचानते हैं, परस्परता ही नियंत्रण है, परस्परता में नियंत्रण है और नियंत्रण ही परिणाम है, परिणाम ही ह्रास और विकास है। तो जो भी परिणाम आ रहा है वह ह्रास की ओर या विकास की ओर है, ह्रास एवं विकास ही अवस्था है, ऐसी अवस्था जैसे पदार्थ अवस्था का जो विकास है वो प्राणावस्था, प्राणावस्था का जो ह्रास है वो पदार्थावस्था, तो उसको अवस्था बोला। विकसित अवस्था अर्थात जब वो विकसित हो गया तो जो परमाणु है, विकास, विकास तो परमाणु में ही होता है, तो परमाणु की जो विकसित अवस्था है उसको ही चैतन्य पद बोल रहे हैं। चैतन्य पद ही स्फुरण है अर्थात इच्छा विचार आशा से युक्त है, स्फुरण ही कंपन है, कंपन ही प्रतिभा है, प्रतिभा ही प्रतीति है, प्रतीति ही भास है, प्रतीति होती है तो ही भास है, भास आभास प्रतीति ही अध्ययन है, तभी हम अध्ययन के लिए रत हो रहे हैं, कुछ भास आभास प्रतीति के साथ है। अध्ययन ही विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक ही दर्शन, दर्शन ही निर्भ्रमता, दर्शन हुआ तो निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही समाधान, समाधान ही आनंद, आनंद ही पूर्णता, पूर्णता ही जागृति, पूर्ण जागृति ही विश्राम और विश्रामस्त इकाई ही पूर्ण शक्त है अर्थात नित्य है, ऐसा इसमें कहने का प्रयास हुआ है। हर मानव प्राप्त शक्ति की अनुभूति करने तथा अविश्रांत श्रृंखला में पाया जाता है। तो जो मानव है वो जो प्राप्त शक्ति है उसको अनुभूत करने का तथा अविश्रांत श्रृंखला में पाया जाता है, यानी कि जागृत हो सकता है। मानव ही जो है एक इकाई है जो कि जो शक्ति उसको प्राप्त है, व्यापक प्राप्त है, व्यापक में हम डूबे भीगे घिरे हुए हैं, तो मैं व्यापक में संपृक्त हूं अर्थात शक्ति मुझे प्राप्त है, उसको अनुभव करना है और अनुभव की श्रृंखला में हम हैं, अर्थात हम जागृत क्रम में हैं, हमारे में जागृति अपेक्षित है, तो मेरे में जो पूर्णता है वो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, उसके उसके दोनों को क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को ही, आचरण पूर्णता को ही जागृति बोल रहा है, फिर उसकी निरंतरता, तो मानव को वो प्राप्त है, मानव में ही वो संभावना है, जो चार अवस्थाएं हैं उसमें मानव में ही जो शक्ति प्राप्त है उस शक्ति का को अनुभूत करके जागृत होने की संभावना है। गठन रहित इकाई नहीं है, हर गठन में कई अंशों या अंगों एवं इकाइयों को पाया जाना अनिवार्य है। तो जो भी इकाई है वो किसी न किसी गठन में ही है, अगर हम परमाणु को देखेंगे तो भी गठनशील, गठन गठन में है, भूखा है, अजीर्ण है, वो गठन में ही है, कहीं अगर वो योग हो रहा है, कोई मिलन हो रहा है तो भी गठन है। तो गठन रहित इकाई नहीं है, हर गठन में कई अंशों या अंगों एवं इकाइयों को पाया जाना एक अनिवार्य है। शरीर भी एक गठन ही है, बहुत सारे अंग हैं, इसमें कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, वो भी एक गठन ही है। हर परमाणु किसी विकास क्रमांश में अवस्थित है, तो जो विकास क्रम है उसके किसी अंश में ही अवस्थित है। जो विकास क्रम है अर्थात जो परमाणु में जो विकास होना है, जिसको हम चैतन्य पद में जाना बोलते हैं, उसके किसी अंश में ही अवस्थित है।
इसको अगले भी अनुभूति में इस बात को और स्पष्ट किया गया है कि हर विकास क्रमांश में स्थित परमाणु के मध्यांश में मध्यस्थ क्रिया होती है, जो मध्यस्थ होने के कारण अन्य अंशों से अधिक सख्त है, अन्य अंशों को संतुलित किया रहता है। मध्यांश मध्यस्थ क्रिया है, जबकि आश्रितांश सम या विषम क्रिया है। इसकी चर्चा परसों अजय जैन भैया ने बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया से किया है। इसका और स्पष्टीकरण लेने के लिए हम उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मानव को पूर्ण पद या पूर्ण जागृति या पूर्ण विश्राम पाने का अवसर है। ये अवसर मानव के पास है, क्योंकि वो चैतन्य इकाई है, चैतन्य इकाई है जो शरीर को चला रहा है, और जो शरीर है वो भी एक एक, एक सबसे एफिशिएंट डिजाइन है। जो मानव शरीर है वो सबसे एफिशिएंट डिजाइन है, और जीवन जो इसको चला रहा है वो चैतन्य इकाई है। तो चैतन्य इकाई इतने अच्छे डिजाइन वाले शरीर को चलाते हुए जागृति को, पूर्ण जागृति को अर्थात जागृति को, पूर्ण जागृति को अर्थात पूर्ण विश्राम पा सकता है। मानव के पास ही अवसर है, इसीलिए समस्त प्रयास भी है। ये जब पता चल जाता है तो इसके प्रयास में लग जाता है। अब पता चलने के बाद भी प्रयास में नहीं लग रहा है तो कोई ना कोई उसकी या तो परिस्थितियां हैं, या कोई आलस्य है, या उसको शंका है। तो शंका है, आलस्य है, कोई परिस्थितियां का उदाहरण दे करके बोलता है अभी नहीं ऐसा कर सकता। जैसे मेरे बहुत सारे परिवारी सदस्य हैं, बहुत सारे मित्र हैं, जो बहुत सारे साधन सुविधा और बहुत सारे धन के संग्रह में लगे हुए हैं। मैं जब उनको प्रस्ताव ऐसा देता हूं कि ये ऐसा ऐसा है और मानव ऐसा चाहता है, आप भी एक बार सुनो, तो बोलते आप जो बोलते हैं उसमें हमको शंका नहीं है, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि मैं जो एक अंपायर खड़ा कर दिया हूं, मैं जो बहुत सारा ऐसा एक रूप पद धन बल में जो लगा हुआ हूं, अब इसको संभालने में लगता है मेरी जिंदगी जाएगी। तो आप कर रहे हो अच्छा है, आपको शुभकामना। तो ऐसी परिस्थितियों का उदाहरण दे देते हैं। तो अवसर सभी के लिए है। अब हमारे पास क्या है, हम या तो ऐसे प्रयास में लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, हमारी मौज है। तो ज्ञानावस्था के निर्भ्रांत इकाई पूर्ण जागृत, भ्रांता भ्रांत इकाई पूर्ण जागृति की प्रामाणित करने के अति निकट, और भ्रांत इकाई निकट है। तो जैसा हम जानते हैं कि एक निर्भ्रांत इकाई है, मतलब जो पूर्ण जागृति जिसको बोलते हैं, यानी समाधान संपन्न हो गया, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हो गया, तो उसको निर्भ्रांत इकाई बोलते हैं। और जो भ्रांता भ्रांत इकाई है कि समझ में आने के बाद गलतियों की समीक्षा कर सकता है, कर रहा है, गलतियों को पहचान ले रहा है, कम से कम इतना कर लिया है कि गलतियों को पहचान ले रहा है, तो उसको भ्रांता भ्रांत इकाई बोलते हैं। तो वो जागृति को प्रमाणित करने के अति निकट पहुंच रहा है। लेकिन जो भ्रांत इकाई है, जो अभी गलतियों को भी नहीं पहचान सकता है, वो भी निकट ही है, मतलब जागृति उसके लिए भी है। तो जागृति तो निश्चित है, जैसा कि पीछे बाबा जी ने दर्शन में बोला है कि जागृति निश्चित है। तो जागृति निश्चित है, तो या तो हम किसी न किसी जगह पर हैं, या तो भ्रांत पद में हैं, या भ्रांत हैं, या तो भ्रांता भ्रांत हैं, और निर्भ्रांत के लिए हमारे में प्यास बनी हुई है। इसका प्रमाण भी है कि हम हर चीज को समझना ही चाहते हैं, हम शंका में रहना नहीं चाहते हैं, हम किसी भी अज्ञानता में रहना नहीं चाहते हैं, एक छोटी छोटी चीज को भी प्रश्न करके पूछ लिया करते हैं। इसका मतलब निर्भ्रांत होना चाहते ही है। अब यह है कि हमारा ध्यान कहाँ है। तो अगर हम भ्रांत पद भ्रांत इकाई है, तो इसका मतलब है कि जागृत तो हम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा, हम गलतियों को भी नहीं पहचान पा रहे। अगर हम भ्रांता भ्रांत इकाई है, तो हम कम से कम गलतियों को पहचान ले रहे हैं, तो हमारे में ज्यादा संभावना बन गई है निर्भ्रांति की। निर्भ्रांत है तो जागृत है, जैसा कि हमने बाबा जी को देखा है। तो रूप बल बुद्धि पद एवं धन की विषमता से ही मानव में परस्पर स्पर्धा, प्रलोभन, आकांक्षा, उत्साह, अध्ययन, अनुसंधान, संधान, प्रयोग, व्यवसाय और ईर्ष्या, द्वेष, आतंक, हिंसा, छल, कपट, दंभ तथा पाखंड का भी प्रसव है। ये जो रूप बल बुद्धि पद एवं धन है, इसमें जो विषमता है, इसमें जो विषमता है, खासकर रूप बल पद और धन में ये विषमता है, ये विषमता इसमें हम समानता पाना चाहते हैं, जबकि इसमें समानता की संभावना नहीं है। इसमें समानता की संभावना नहीं होती, क्या होता है, हम होड़ में लगते हैं, हम स्पर्धा में लगते हैं, और स्पर्धा में लगने से फिर क्या होता है, हम कोई प्रलोभन, कोई आकांक्षा। और अगर हमारे अगर बुद्धि हमारी प्राथमिकता है, तो फिर या उसके लिए फिर जैसा हमारी प्राथमिकता है,
रूप बल बुद्धि एवं पद में जैसी हमारी प्राथमिकता है उसके अनुसार हमारे में उत्साह है, वैसा अध्ययन है और अनुसंधान, संधान, प्रयोग, व्यवसाय और ईर्ष्या, द्वेष, आतंक, हिंसा, तो ये सारे चीजें पीछे परिभाषित की गई हैं मानव सहज प्रयोजन में या उसके पहले वाले जो अध्याय है उसमें किया गया है, एक एक की परिभाषा है, हम वहां से देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इससे उपलब्धि नहीं होता है, उपलब्धि इसी को अभी हमने उपलब्धि माना हुआ है क्योंकि हमने जो हमारा जो लक्ष्य है, जो इस चैप्टर के शुरू में कहा था कि अगर हमारा लक्ष्य भोग है तो हम फिर भोग को ही लक्ष्य मान करके वैसी ही उपलब्धि की तरफ अपने सारे प्रयास लगाते हैं, सारी कल्पनाशीलता लगाते हैं, सारे कार्य भी उधर ही लगाते हैं, सारे व्यवहार को वैसा ही हम लक्षित कर देते हैं, उसके कारण ये ईर्ष्या, द्वेष, आतंक, हिंसा, छल, कपट, दम, पाखंड, ये सारा कुछ हमको देखने को मिलता है, संबंधियों में भी और मेरे खुद में भी मिलता है। जबकि सह अस्तित्व में विरोध का विजय अथवा समन, विरोध समन से जागृति, जागृति से सहज जीवन, सहज जीवन से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से सह अस्तित्व में अनुभव, अनुभव से कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से सफलता, सफलता से विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक से स्वयं स्फूर्त जीवन और स्वयं स्फूर्त जीवन से ही सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो जो विरोध का विजय अथवा समन है उसको एक नीचे की अनुभूति में कहा है कि सह अस्तित्व ही विरोधों से मुक्ति, और विरोधों से मुक्ति ही विरोध का समन है, और विरोध का समन ही सह अस्तित्व है। तो जो सह अस्तित्व में विरोध का समन है अर्थात सह अस्तित्व का में अनुभव संपन्न होना ही विरोध से संबंध है, उस समन है, उसके पहले विरोध का समन नहीं है। और जब विरोध का समन है उसी को जागृति बोल रहे हैं, जागृति से सहज जीवन, जागृति ही सहज जीवन है, अनुभव मूलक जीवन ही सहज जीवन है, अनुभव तक प्रयास पूर्वक है, अनुभव के बाद वाटो मोड में है, उसी को सहज बोल रहे हैं, अनुभव संपन्न हो गए तो सहज जीवन है, सहज जीवन ही स्वर्गीयता है, स्वर्गीयता से सह अस्तित्व में अनुभव है, अनुभव से कर्तव्य निष्ठा है, फिर हम कर्तव्य में निष्ठा होती है, निष्ठा यानी कोई निश्चय हुआ और निश्चय में निरंतरता, तो संकल्प पूर्वक ही निश्चय की निरंतरता होती है, फिर हम स्नेह पूर्वक अपना पराया से मुक्त होकर के जीते हैं, फिर हम जो नियम है उसको अनुसार जीते हैं अर्थात स्वधन पूर्वक जीते हैं, स्वनारी स्वपुरुष पूर्वक जीते हैं, दया पूर्वक कार्य व्यवहार पूर्वक जीते हैं, समाज में ऐसा जीते हैं तो समाज में निष्ठा पूर्वक जीते हैं, कर्तव्य और निष्ठा पूर्वक जीते हैं, प्रकृति के साथ नियम पूर्वक जीते हैं, कैसे नियम पूर्वक जीते हैं हमने पहचाना हुआ है कि पूरकता है, उदात्तीकरण है, आवर्तनशीलता है, उसको वैसा जीते हुए उनके साथ निष्ठा है। तो कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से सफलता, सफलता से विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक से स्वयं स्फूर्त जीवन, जिसको स्वतंत्र जीवन बोला, जिसकी हम में प्यास है, हम परतंत्रता चाहते नहीं है, हम स्वतंत्रता चाहते हैं अर्थात स्वयं स्फूर्त जीवन, ऐसा ऐसी मेरी प्यास है, और स्वयं स्फूर्त जीवन से ही सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो जो सह अस्तित्व का हमने अनुभव हुआ, जागृति जिसको बोला, उसकी जो यात्रा आई वो आ करके स्वयं स्फूर्त जीवन के रूप में वो प्रमाणित हो गया। तो अनुभव मूलक जीने का प्रमाण क्या है कि जीवन स्वयं स्फूर्त है, स्वतंत्र है, अब हम भाव के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, कोई मेरे पे विश्वास कर ले, कोई मेरा सम्मान कर ले, कोई मुझसे प्रेम कर ले, ऐसा मेरा अब नहीं है, मैं अब विश्वास पूर्वक जीता हूँ, मैं अब सम्मान पूर्वक जीता हूँ, मैं अब स्नेह पूर्वक जीता हूँ, मैं अब प्रेम पूर्वक जीता हूँ, ऐसा मैं जीता हूँ तो ये मेरे स्वयं स्फूर्त जीवन का प्रमाण है। तो आज जो 12वां अध्याय का जो हमने शुरू किया था कल, उसके लगभग 2 पेज हमने किए क्योंकि आज थोड़ा आधा घंटे का समय था, अंबा दीदी की प्रस्तुति थी बहुत ही प्रेरणादायक, आप सबने इसको सुना और हमारे अध्ययन में आप भागीदार हों, हमारे अध्ययन में सहभागी हों, इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार। की सीमा तक है तो इसको लोक व्याप्त को शायद ठीक से नहीं हुआ था, लोक व्याप्त का मतलब कि लोक जहां तक है और लोक के अंदर भी, तो पूर्ण दर्शन यानी संपृक्तता ही पूर्ण दर्शन है और वो इंद्रियों की सीमा में नहीं है। तो मानव अगर अपने संपर्क की सीमा तक देखता है तो अपूर्ण दर्शन ही करेगा, ये समझ में आता है, इसीलिए नीचे इसको कहा गया है कि आध्यात्म ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान की एक सूत्रता ही पूर्ण दर्शन है।
तो ये अगर होता है तो पूर्ण दर्शन है, अन्यथा अपूर्ण दर्शन है। तो हम अगर दर्शन के अभिलाषी हैं, दर्शन चाहते हैं, तो हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारा जो प्यास तो पूर्ण दर्शन की है, लेकिन जो हमारा सारा कार्यक्रम है वह पूर्ण दर्शन में ही तो लगा हुआ नहीं है। अगर पूर्ण दर्शन की तरफ हमारी यात्रा है तो ये ठीक है। अगला जो हमें थोड़ा सा और स्पष्टीकरण की आवश्यकता लग रही है, 86 नंबर पेज पर है, ऊपर से तीसरा जो अनुभूति है कि ज्ञानावस्था की निर्भ्रांत इकाई पूर्ण जागृत, भ्रांताभ्रांत इकाई पूर्ण जागृति की प्रमाणित करने के अति निकट और भ्रांत इकाई निकट है। तो इसमें तीन इकाइयों की बात की गई है, निर्भ्रांत इकाई, भ्रांताभ्रांत इकाई और भ्रांत इकाई। तो जो निर्भ्रांत इकाई है वो तो पूर्ण जागृत है, उसमें तो कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, हमको शब्द से ही पता है। जो भ्रांताभ्रांत इकाई है वो मानव पद में है, समझ चुकी है, प्रमाणित करना शेष है, इसीलिए उसको गलतियों का पता लगता है। तो जब परिभाषा संहिता में देखेंगे तो समझ में आने के बाद गलतियों की समीक्षा करने की स्थिति आ जाती है। तो समझ में आ गया है, मानव पद में है, बस प्रमाणित करना है, इसीलिए अति निकट है ये जागृति के। और जो भ्रांत इकाइयां हैं वो अभी भ्रमित मानव जिनको हम कहते हैं, उसको सही गलत का, सही को भी गलत मान सकता है, गलत को भी सही मान सकता है, तो वो भी निकट है। निकट इसलिए है क्योंकि वो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है और वो भी 10 क्रिया संपन्न है, ध्यान नहीं गया है, इतना ही बात है, तो वो भी निकट ही है निर्भ्रांत, निर्भ्रांति की तरफ, पूर्ण जागृति की तरफ। तो इसमें ये स्पष्टीकरण की आवश्यकता मुझे लग रही थी। और उसके नीचे वाले ही अनुभूति में है कि रूप बल बुद्धि पद एवं धन की विषमता से ही मानव में ये सारा जो चीजें आई है, स्पर्धा प्रलोभन आकांक्षा, इसमें शायद शंका हो सकता है। तो बुद्धि भी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो फिर इसमें ऐसा कैसे होगा कि स्पर्धा प्रलोभन आकांक्षा में लगेगी। तो यहाँ पर शब्द है विषमता, अगर विषमता है यानी जो बोलते हैं ना बुद्धि चुप है, तो बुद्धि में विषमता ये है कि बुद्धि चुप है, तो वो चुप वाली बुद्धि की बात हो रही है। तो रूप बल और वो जो बुद्धि है जो विषम है मतलब चुप है, और पद धन की ये, इसमें अगर विषमता है तो मानव में ये सारी चीजें जो नेगेटिविटी है वो देखने को मिलती है। इतना स्पष्टीकरण मुझे लग रहा था कि पीछे से करना था। अब आगे जहां तक हो गया था 86 नंबर पेज पर, उसमें मैं शुरू करता हूं जी। जी आवाज तो ठीक है, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया है तो ऐसा लग रहा है। हाँ जी, तो अज्ञान, मृत्यु, अहंकार और भ्रम, यह चार प्रकार की मान्यताएं मानव विचार में पाई जाती हैं। इन्हें माना जाता है अवश्य, पर इनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। तो ये अज्ञान, मृत्यु, अहंकार और भ्रम, ये चार प्रकार की मान्यताएं मानव में हैं। इसकी व्याख्या नीचे वाले बुलेट्स में की जा रही है, तो वहां पर मैं इसको करता हूं कि मृत्यु, अंधकार और भ्रम के मूल कारण में भी अज्ञान ही है। इसको हमने जाना नहीं है, समझा नहीं है कि मृत्यु क्या है, अंधकार क्या है और भ्रम क्या है, इसको जाना नहीं है। मूल बात ये है, तो कैसा है ये, इसको जानेंगे तो क्या जानेंगे, उसके लिए नीचे की अनुभूति है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझने योग्य विकासांश का अभाव ही अज्ञान है। अर्थात दर्शन नहीं हुआ, हमने किसी चीज को जैसा है उससे ज्यादा मान लिया या जैसा है उससे कम मान लिया, सही नहीं माना, जैसा है वैसा उसको नहीं जाना, अर्थात पूर्ण दर्शन नहीं हुआ, यही अज्ञान है। अर्थात ज्ञान नहीं है, अर्थात स अस्तित्व क्या है इसका ज्ञान नहीं है, जीवन क्या है, जीवन नाम की कोई इकाई है, पहले ये स्वीकार होना, फिर उसका अध्ययन करना। और मानव आचरण करता है, कार्य व्यवहार करता है, उसको भी नहीं जाना है। तो ये तीनों, जब अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान नहीं है, वही अज्ञान है, उसके कारण अपूर्ण दर्शन है, उसी को अज्ञान बोल रहे हैं। पिंड की विघटन क्रिया को मृत्यु बोलते हैं। तो मृत्यु क्या है, ये केवल घटना है, कोई पिंड है और रचित हुआ है वो विरचित हो जाएगा, उसका संगठन हुआ है तो विघटन हो जाएगा। तो ये अस्तित्व सहज एक क्रिया है,
भौतिक रासायनिक क्रिया है, तो मृत्यु इतना ही है। अभी हमने मृत्यु को कोई बहुत बड़ी घटना और उसको बहुत बड़ी कोई त्रासदी और बहुत सारी चीजों को लेकर के हम भय में रहते हैं, क्योंकि हमने उसको भी जाना नहीं है। किसी इकाई के एक ओर प्रकाश पड़ने पर उसकी दूसरी ओर जो उसकी छाया पड़ती है उसको अंधकार संज्ञा है। सीधी सी बात है कि अगर किसी इकाई पर एक बॉल हम ले लें और उस पर टार्च से एक तरफ लाइट डालें, तो जिधर लाइट पड़ेगी वो प्रकाश है, जिधर नहीं पड़ेगी वो अंधकार है। अगर टार्च को हमने उधर भी घुमा दिया तो उधर प्रकाश हो गया, इधर अंधकार हो गया। तो अंधकार कोई इस तरह का, तो अंधकार को इस तरह से समझा नहीं है, इस तरह से जाना नहीं है। तो जब हम मृत्यु को, अज्ञानता को या अंधकार को जान लेते हैं, तो ये हमारे लिए कोई मान्यता नहीं रह जाती, फिर हम ये जान लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं, ऐसा यहां कहने का प्रयास किया गया है। अगोपनीयता एवं रहस्यहीनता ही यथार्थता है, जिससे ही सहज की उपलब्धि है। तो यथार्थता की चर्चा पीछे काफी हुई है, यथा अर्थ, जैसा वो है, जैसा उसका अर्थ है, वैसा ही उसको जान लेना, इसी को रहस्यहीनता बोलते हैं, इसी को अगोपनीयता बोलते हैं। अब रहस्य नहीं है, मैंने नियम को जान लिया, अब रहस्य नहीं है। जब सेब गिरा नीचे की तरफ, तो उसको न्यूटन ने देखा गिरते हुए, तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने जब देखा तो उसी समय सेब नीचे गिरा, उसके पहले सेब नीचे नहीं गिरता था, उसके पहले भी सेब नीचे ही गिरता था, सबका ध्यान नहीं जाता था, न्यूटन का ध्यान गया, तो ध्यान क्या गया, ये नीचे ही क्यों आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, इसका जब अध्ययन किया तो उसका अध्ययन में पता चला कि एक गुरुत्वाकर्षण नाम की एक शक्ति है, वो शक्ति को पहचाना, उसके बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में बात किया, तो पकड़ में आया। यहाँ दर्शन में भी देखते हैं कि गुरु है और लघु है, लघु गुरु की तरफ आकर्षित है, तो क्या हुआ, नियम पता चल गया, तो नियम पता चल गया तो रहस्य मुक्ति हो गई। तो रहस्य नहीं है, नियम का मुझे पता नहीं है, यही रहस्य है। जैसे मानव जन्मजात सुख की प्यास में है, जन्म से ही सुख की तलाश में है, ऐसा वो है, ऐसा उसके अंदर नेचुरल है, और सुबह जगने से लेकर के रात के सोने तक जितने भी काम वो करता है केवल और केवल सुख की आशा में करता है, लेकिन सुखी होता नहीं है। जितने भी काम करता है वो सोचता है अब सुखी हो जाएंगे, बच्चे बड़े होंगे तो सुखी हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, शादी हो गया तो सुखी, बच्चे हो गया तो उनको इस तरह से लगता है अब हो जाएंगे, घर में मकान ले लिया, गाड़ी ले लिया, पैसे हो गए हो गए। तो कुल मिला के प्रयास सुख के लिए हो रहा है, लेकिन सुखी हो नहीं रहे हैं, ये रहस्य है। क्यों? क्योंकि हमने सुख को तलाशा ही गलत जगह पे है, सुख को समझा नहीं है। जब हम सुख को समझ लेते हैं, सुख है क्या चीज, और सुख को जो हम जितनी प्यास हमको है निरंतरता की, वो प्यास वस्तुओं में पूरी नहीं होती है, क्योंकि वस्तुएं संख्या में भी सीमित हैं, आकार आयतन में भी सीमित है, तो उनसे असीमित मिलता नहीं है। ये जब पता चल जाता है तो रहस्यहीनता हो जाती है, फिर रहस्य खत्म हो जाता, फिर मेरे लिए कुछ गोपनीय नहीं रह जाता। तो इसी को यथार्थता बोलते हैं, कि जैसा जिसका अर्थ है वैसा उसको समझ लेना। इससे सहजता की उपलब्धि हो जाती है, फिर हम सहज हो जाते हैं, स्वयं में सहज हो जाते हैं। गोपनीयता से संकीर्णता का तथा रहस्यता से भ्रामकता का प्रसव है। अगर गोपनीय कोई चीज रखी जाती है तो उससे संकीर्णता ही प्रसवित होती है, कोई न कोई संकीर्णता की तरफ ही वो इशारा करता है। और रहस्यता अगर है, नियम पता नहीं है, तो उससे भ्रामकता का प्रसव है, भ्रम में रहेंगे, शंका में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे। क्यों? क्योंकि नियम नहीं पता है, हमारे लिए रहस्य है। जैसे मैं कभी पंखा चलते हुए नहीं देखा और मैं कमरे में आकर के यहां बैठा हूं, और मैं ऐसे बैठा हूं तब तक किसी ने पंखा चला दिया, अब मेरे लिए क्या है, एक भय का स्थिति हो जाए, ये क्या हो गया, ये क्या चलने लगा। लेकिन अगर हमको पता है, पहले से हमको पता है ये पंखा है, ये स्विच दबाने पर चल जाता है, तो मैं भ्रम में नहीं रहूंगा, भय में नहीं रहूंगा, शंका में नहीं रहूंगा। तो जो रहस्यता है उससे भ्रामकता का प्रसव होता है, उससे शंका का, उससे भय का, भय में आते हैं, भ्रम में आते हैं, तो भ्रम से भय में आते हैं, शंका में आते हैं, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। मानव को न शंका स्वीकार है, न भय स्वीकार है, न भ्रम स्वीकार है, वो तो सब चीज को समझ के जीना चाहता है, उसने समझने का तरीका नहीं पता है, उसने जो भी तरीके समझने के निकाले वो केवल भौतिक जगत को समझने के तरीके निकाले, या बहुत किया तो मानव के जो इच्छाएं हैं वहां तक केवल ध्यान गया, कोई सह अस्तित्व कोई चीज है, संपृक्तता कोई चीज है, सह अस्तित्व जो है वो नित्य है, व्यापक नित्य है, इकाइयां शाश्वत हैं, और व्यापक इकाइयां जो है व्यापक में संपृक्त हैं, उनका हमें अनुभव करना है, ऐसी सूचना नहीं हमारे पास, ऐसा ध्यान हमको नहीं दिलाया गया। ऐसा ध्यान जाता है
तो फिर हम हमारी भ्रामकता खत्म होती है, फिर हम विश्वास पूर्वक जीना शुरू करते हैं, फिर हम सम्मान पूर्वक जीना शुरू करते हैं, फिर हम कृतज्ञता पूर्वक जीना शुरू करते हैं, फिर हमारा पूरा कार्यक्रम उसके अनुसार अलाइन हो जाता है, फिर हम शंका में नहीं रहते, दूसरे भी हमारे बारे में शंका में नहीं रहते। इतनी सी बात है। अगली अनुभूति है अज्ञान मृत्यु अंधकार एवं भय के वैकल्पिक रूप एवं गुण की कल्पना ही भ्रम है। तो जो अज्ञान मृत्यु अंधकार और भय है, ये अगर हमें पता नहीं है ये क्या चीज है, तो हम इसका वैकल्पिक कोई रूप रूप गुण की कल्पना कर लेते हैं। जैसे मृत्यु के बारे में हम बहुत सारी कल्पना कर लेते हैं, लगता है कि मृत्यु से बचा जाए। बहुत सारे पहले लोगों ने प्रयोग किया कैसे मृत्यु से बच सकते हैं, कैसे आदमी को लगातार जिंदा बनाए रखा जा सकता, जबकि नियम है ही नहीं है। तो जब हम इसको इसका कोई वैकल्पिक रूप गुण हमारी कल्पना में आ जाता है, उसी को भ्रम बोलते हैं कि हम भ्रम में हैं, हमको सच्चाई पता नहीं है, ऐसा यहां कहने का प्रयास किया गया। संकीर्णता तथा रहस्यता से मानव ह्रास की ओर गतिमान है, जिसके कारण विरोध विद्रोह आतंक आदि अमानवीय गुण प्रभावी है। तो ये चूंकि रहस्यता के कारण नियम का बोध नहीं है, नियम को समझे नहीं है, रहस्यता है, संकीर्णता है, इसके कारण ही विरोध विद्रोह आतंक आदि सभी अमानवीय गुण प्रभावी हैं। अमानवीय गुण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो है रहस्यता में है, तो जब रहस्यता में है तो ह्रास की ओर जाएंगे, ह्रास की ओर जाएंगे तो अमानवीय गुण ही प्रभावी होंगे, हमारा सारा आचरण भी अमानवीय होगा। समष्टि के बल बुद्धि रूप पद एवं धन से व्यष्टि का बल बुद्धि रूप एवं धन अल्प है। समष्टि यानी संपूर्ण मानव अखंड समाज जिसको कह रहे हैं, व्यष्टि मानव जब एक मानव की एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो जो समष्टि का बल बुद्धि रूप पद धन बल है वो एक जो व्यष्टि का व्यक्ति का बल रूप धन पद है उससे अल्प है, क्योंकि समष्टि की आंशिकता की व्यष्टि रचना है, जो व्यष्टि बोलते ही उसी को है कि समष्टि की आंशिकता। तो अखंड समाज के ही एक अंग के रूप में व्यक्ति व्यष्टि को देखते हैं, तो जो अखंड समाज का जो बल बुद्धि रूप पद एवं धन है उसमें एक व्यवस्था का सूत्र निकलता है। अगर केवल व्यक्ति के लिए ये बल बुद्धि रूप एवं धन ही बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया तो फिर अखंड समाज में व्यवस्था का सूत्र नहीं होगा, फिर व्यक्ति के लिए वो बड़ा हो जाएगा, जैसा कि हम सभी होते हुए देख रहे हैं। मानव इकाई अभिमान ग्रस्त होने पर वंचना परिवंचना आतंक एवं विग्रह पूर्वक अनेक के शोषण में प्रवृत्ति होती है, साथ ही उस अभिमान से मुक्त होकर ही विवेक विज्ञान स्नेह सहजता व सह अस्तित्व पूर्वक एक द्वारा अनेक के पोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा पोषण भी होता है। तो इसमें दो बातें कही हैं कि अभिमान से ग्रस्त होने पर क्या होता है। अभिमान का मतलब यही हुआ कि रूप पद को श्रेष्ठ मान लेना, अपने रूप पद धन बल को श्रेष्ठ मान लेना, यही अभिमान है। हमने व्यष्टि के ही रूप पद धन बल को श्रेष्ठ मान लिया, समष्टि का ध्यान नहीं है, जहां एक व्यवस्था का सूत्र निकलता है, तो वही अभिमान हुआ। अभिमान से ग्रस्त होते हैं तो फिर वंचना करते हैं, वंचना यानी कोई विश्वासघात कोई शोषण करने लगते हैं, उसकी फिर परिवंचना होती है, आतंक विग्रह ये जो तमाम अमानवीयता वाली जो प्रवृत्तियां हैं शोषण प्रवृत्तियां हैं वो होती हैं। लेकिन यदि हम अभिमान से मुक्त होकर के जीते हैं, समझ पूर्वक जीते हैं, अर्थात विवेक विज्ञान और स्नेह सहज व सह अस्तित्व पूर्वक अगर हम जीते हैं, तो अनेक के पोषण की प्रवृत्ति मेरे में होती है और पोषण होता भी है, मेरे में मतलब एक दूसरे में मानव में। तो मानव का जो अभिमान से ग्रस्त होना है वो एक अलग घटना है, अभिमान से मुक्त होना एक अलग घटना है। नासमझी में हम अभिमान से ग्रस्त हो सकते हैं, समझदारी में अभिमान से ग्रस्त होने का कोई जगह नहीं बनता। अभिमान से मुक्त होंगे तो हम ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न ही होंगे, फिर हम स्नेह पूर्वक जिएंगे, स्नेह पूर्वक यानी अपना पराया से मुक्त होकर के जिएंगे, सहज हो जाएंगे हम। सहज होने का मतलब ही अहंकार मुक्त हो गए, अंगहार मुक्त हो गए, ऐसे में सह अस्तित्व पूर्वक ही हमारा जीना होगा, ऐसे में हम पोषण प्रवृत्ति के साथ ही जिएंगे, अनेक का पोषण होगा। शोषणवादी प्रणाली में संघर्ष तथा पोषणवादी प्रणाली में शांति की उपलब्धि है, ऐसा ये तो हमको सीधा सीधा पकड़ में आता ही है कि शोषणवादी प्रणाली होगी तो जिसका शोषण होगा वो एक न एक समय विद्रोह करेगा तो विद्रोह होगा तो विरोध होगा, संघर्ष होगा, युद्ध होगी, अशांति होगी।
तो शोषणवादी जो प्रणाली है उसमें अंत में अशांति ही हाथ लगेगी, लेकिन पोषणवादी प्रणाली में चूंकि अपना पराया से मुक्त होकर के हम ममता वात्सल्य पूर्वक श्रद्धा गौरव पूर्वक कृतज्ञता पूर्वक जीते हैं, विश्वास सम्मान पूर्वक जीते हैं, तो इसमें शांति की उपलब्धि होती है, जैसा कि हम सभी को प्यास है। व्यवहारिक एक सूत्रता तथा वैचारिक एक सूत्रता ही पोषणवादी प्रणाली का मूल सूत्र है, अन्यथा में अन्याय में शोषण है ही। तो दो एक सूत्रता है, एक व्यवहारिक एक सूत्रता है, एक वैचारिक एक सूत्रता है। तो जो वैचारिक एक सूत्रता है वो जीवन के स्तर पर है, व्यवहारिक एक सूत्रता जो है वो जीने के स्तर पर है। तो मेरे में जो वैचारिक एक सूत्रता है और उसके अनुसार जो मेरा व्यवहारिक एक सूत्रता है, एक सूत्रता का आशय ही है अखंड व्यवहार में एक जैसा एक समानता। तो जो व्यवहारिक एक सूत्रता और वैचारिक एक सूत्रता है वही पोषणवादी प्रणाली का मूल सूत्र है, क्योंकि इसमें न्याय होता है, इसमें मूल्यों का निर्वाह होता है, इसमें मूल्यांकन होता है, इसमें उभय सुख की संभावना बनती है। तो अगर व्यवहार हमारा न्याय पूर्वक है तो उसमें उभय सुख की संभावना बनती है, विचार हमारा समाधान पूर्वक है तो उसमें हमको सुख शांति संतोष आनंद के उपलब्धि की संभावना बनती है। यही पोषणवादी प्रणाली का मूल सूत्र है। अन्याय पूर्वक जीना यही शोषण है, क्योंकि हम मूल्यों का निर्वाह नहीं कर रहे। मूल्यों का निर्वाह नहीं होगा तो संबंध में शोषण ही होगा। समस्त मानव के लिए जागृति के अवसर समान है, जिनका सदुपयोग एवं दुरुपयोग वातावरण अध्ययन तथा पूर्व संस्काराधीन है। तो जो समस्त मानव है उसमें जागृति के अवसर समान है, क्योंकि हर मानव शरीर और जीवन का संयुक्त साकार रूप है, जिसमें जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, और ये हर मानव का जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। इसलिए हर मानव में जागृति के समान अवसर है, हर मानव में जागृति की समान संभावना है। इसमें जो काम है वो वातावरण अध्ययन और पूर्व संस्कार है। जैसे मैं अभी किसी संस्कार के साथ 10 दिन पहले हूँ और मुझे कोई सूचना सत्य की नहीं है, न्याय धर्म की नहीं है, लेकिन मैं किसी सभा में बैठा, वहां पर मुझे न्याय धर्म की सूचना आई और मेरा ध्यान भी गया, तो सभा में बैठा या किसी व्यक्ति से मिला तो एक वातावरण मिला, उस वातावरण में जो सूचना मुझे मिली वो सूचना मेरे में थोड़ी टिकी, मेरे ध्यान में आई, मैं उस पे टिक पाया, मेरा उस पे विश्वास बना और मेरा उस पे मनन हुआ, तो इसी को अध्ययन बोल रहे हैं। तो एक संस्कार है और कोई वातावरण है, उसमें अध्ययन है, उससे उपलब्धि जो होती है वही उपलब्धि जागृति के रूप में होती है, और ये सभी को अवसर समान रूप में प्राप्त ही है, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि हर जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, इसमें कोई कमी कम ज्यादा का मामला ही नहीं है। अब इसमें अगर हमको वातावरण नहीं मिल पाया संयोगवश परिस्थितिवश, या वातावरण मिला मेरा अध्ययन नहीं हो पाया, तो मेरे जागृति की तरफ जाने का रास्ता कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। जाना तो है ही है, जागृति तो निश्चित है, लेकिन धीमा हो गया, फिर और समय लगेगा, फिर पता नहीं कितना शरीर यात्रा कर लगेगी, लेकिन जागृति तो निश्चित है। तो अवसर भी है और निश्चित भी है। तो अवसर है तो उस अवसर के अनुसार अध्ययन किया जाए, और निश्चित है ही, तो जब निश्चित है तो उसमें देर क्यों लगाना। अगला जो अनुभूति है, संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था, ये चार प्रकार से मानवकृत वातावरण है जिससे मानवीयता का पोषण अथवा शोषण होता है। तो इसमें जो संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था है, ये 12वें दिन का जो दूसरा सत्र चला था योगेश भाई का, उसमें इस पे काफी अच्छे से प्रकाश डाला है भैया ने। तो हमें लगता है कि मैं रिफर करता हूँ कि जिनको और इसको और बढ़िया से समझना है, उस वीडियो को राकेश भैया के यूट्यूब चैनल पे जाकर के एक बार और देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है, यह चार मानवकृत वातावरण है जिससे मानवीयता का पोषण अथवा शोषण होता है। तो जो सार्वभौम व्यवस्था है, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जो मानवीय व्यवस्था है, जिसको हम 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं, उसमें जो वातावरण है मानव के द्वारा कृत वातावरण, वो संस्कृति सभ्यता और विधि व्यवस्था के रूप में ही है बौद्धिक। और इससे क्या होता है, मानवीयता का पोषण होता है। अगर संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था पूर्वक जीते हैं तो मानवीयता का पोषण होता है, अन्यथा शोषण होता है। बौद्धिक समाधान व भौतिक समृद्धि तथा विकल्पात्मक ज्ञान जिस प्रकार के मानवकृत वातावरण से बोधगम्य होता हो, इससे ही मानव के विकास का व जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो क्या काम है कि बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि तथा विकल्पात्मक ज्ञान जिस प्रकार से
मानवकृत वातावरण से बोधगम्य होता हो, इससे ही मानव के विकास और जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब काम को कौन सा है, समाधान और समृद्धि, समाधान के लिए अध्ययन, समृद्धि के लिए उत्पादन, समाधान केवल उत्पादन से समृद्धि होगी नहीं, समाधान प्राथमिकता। अगर समझ में नहीं आया है तो वस्तु के उत्पादन से समृद्धि नहीं होती। कल मैंने सुना मामा जी बोल रहे थे कि उत्पादन कर लेना समृद्धि का कोई प्रमाण नहीं होता है, कि मैं बहुत जैविक उत्पादन करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक उत्पादन करता हूँ, मैं नेचुरल फार्मिंग करता हूँ और लाभोन्माद करता हूँ, मैं बाजार के लिए उत्पादन करता हूँ और लाभोन्माद में जाता हूँ, तो क्या होगा, समृद्धि तो आएगी नहीं, न मुझे आएगी न दूसरे को आएगी, क्योंकि उसमें शोषण मानसिकता अगर है तो वास्तव में व्यवसाय, नौकरी, कृषि, इसमें मूल मुद्दा मानसिकता का है। काम कोई भी खराब नहीं है, मूल मुद्दा मानसिकता का है। अगर मानसिकता मेरी वो है, अगर मेरी मानसिकता लाभोन्मादी है, मेरी मानसिकता भोगोन्मादी है, तो काम हम भले ही वो कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, भले ही हम उत्पादन ऐसा कर रहे हैं कि जो कि प्राकृतिक नियम के अनुसार है, लेकिन उसमें मानसिकता क्या है? तो एक तो प्राकृतिक नियम के अनुसार उत्पादन, फिर उसके उपयोग के लिए मानसिकता, कौन सी मानसिकता है, तो उस मानसिकता के अनुसार समृद्धि होती है। तो समाधान और समृद्धि ये मानव की प्यास है, और इसके लिए जो विकल्पात्मक ज्ञान है उसका उपयोग करना, उससे जो मानवकृत वातावरण जो है संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के रूप में, उसमें अगर बोधगम्य हो जाए तो मानव के जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात जागृत मानव परंपरा में जहां संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था पूर्वक जीते हुए लोग होंगे, तो ये विकल्पात्मक ज्ञान होगा, उसमें मानव स्वतः ही समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में सक्षम हो जाएगा, जागृत होता जाएगा। उसी के लिए बोल रहे हैं, इससे ही मानव के विकास और जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हम सभी एक अनुभव संपन्न व्यक्तियों की, एक जागृत व्यक्तियों की, प्रमाणित व्यक्तियों की मानवीय परंपरा धरती पर आए, शिक्षा विधि से आए, इसके लिए हम सभी प्रयास में लगे ही हुए हैं। बहुत सारे लोग इसमें जिंदगियां खपा रहे हैं, अपनी जिंदगियां खपा रहे हैं, उपकार के लिए भी कर रहे हैं, अपने समझने के लिए भी कर रहे हैं, हम सब इसमें लगे हुए हैं और बाबा जी की प्रेरणा बनी हुई है। वर्तमान में के पूर्व में की गई क्रिया मात्र का फल परिणाम ही संस्कार है, जो अमानवीयता, मानवीयता तथा अतिमानवीयता पूर्ण भेद से है। तो वर्तमान के पूर्व में की गई क्रिया मात्र का फल परिणाम ही संस्कार है, जो अमानवीयता, मानवीयता तथा अतिमानवीयता पूर्ण भेद से है, जिसके आधार पर ही इकाई की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। जागृति के पक्ष में क्रिया ही सुसंस्कार है, सुसंस्कार के विपरीत जो भी क्रियाकलाप है वह अमानवीयता है, जो कि कुसंस्कार है। तो अभी के पहले जो कुछ भी किया गया है उसके अनुसार संस्कार है। अगर जागृति के पक्ष में मेरा आपके पहले सब कुछ क्या हुआ है तो वो सुसंस्कार है। अगर जागृति के पक्ष में नहीं किया गया है, भ्रम के पक्ष में किया गया है, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के पक्ष में किया गया है, भोग के अर्थ में ही सारा कुछ किया गया है, वो संस्कार है, तो उसको ही कुसंस्कार कह रहे हैं, उसको ही अमानवीयता कह रहे हैं। तो जो संस्कार है वो या तो अमानवीयता का है, या मानवीयता का है, या अतिमानवीयता का है। तो हम सभी जो भी अमानवीयता में जी रहे हैं वो मानवीयता की तरफ चल दें, अतिमानवीयता को प्राप्त हो जाएं, जागृत हो जाएं और जागृति की एक परंपरा हो जाए, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। ये सर्व शुभ हो। अध्याय 12 यहाँ पर पूरा हो।